ये जो वीडियो आपने देखा ये थे रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं इन सेल्फी डेवलपमेंट। आज का वेबिनार है स्पेसिफिकली ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग। यस, ये वेबिनार वॉज द मोस्ट अवेटेड वेबिनार इन सेल्फी डेवलपमेंट। एंड हमारे जो की स्पीकर है आज वो है मिस्टर अभिषेक खंडेलवाल। वो एसोसिएट डायरेक्टर है इन प्रॉपस्टैक। ही इज ऑल्सो एन IIM कोझिकोड एलुमनाई एंड ही इज इंजीनियर बाय प्रोफेशन। एंड सेल्स एंड मार्केटिंग में इन्होंने इनका एक्सपर्टीज है इन एंटायर सेल्स मार्केटिंग एंड उसका कैसे स्ट्रेटेजी किया जाए एंड रीडेवलपमेंट में और सेल्फ रीडेवलपमेंट में स्पेसिफिकली हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दिस एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। मैं देख रही हूँ आज का जो वेबिनार था उसका जो रिस्पॉन्स है मतलब पीपल हु आर कमिंग इन कॉलिंग अस उसका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज ऑडियंस टुडे। तो द एंटायर वेबिनार द पूरा जो सेमिनार है हमारा जो सीरीज है वो ऑर्गेनाइज किया है टफकॉन स्वनिर्माण ने इन एसोसिएशन विद GSE इनटाइम सर्विसेज एंड पावर्ड बाय बी राइट रियल एस्टेट वेंचर्स। दिस ग्रुप इज ओन्ड बाय सीए संजय शाह। ही इज द फाउंडर ऑफ द ग्रुप एंड इनका एक्सपर्टीज रहा है एक्सपर्टीज है इन वर्किंग एज अ डेवलपमेंट मैनेजर एंड स्टॉल प्रोजेक्ट्स पे जो पॉज बटन लग गया है उसको हटा के उसको कैसे रिस्टार्ट किया जाए। तो ही कीप्स अ स्पेशलाइजेशन इन दैट। हमारा जो अगला वेबिनार है वो इसी पर है। ऑल्सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। आप हमारा वीडियो अभी लाइक कीजिए। प्लीज लाइक एंड शेयर आवर वीडियो ताकि इसका बेनिफिट ज्यादा लोगों को मिल सके। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि ये नॉलेज सीरीज है एंड सेल्फ रीडेवलपमेंट में सेल्स एंड मार्केटिंग ये हमेशा एक हॉट टॉपिक रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि बहुत लोग इस चीज का बेनिफिट ले सके, आज के वेबिनार का बेनिफिट ले सके। ऑल्सो यू कैन पोस्ट योर कमेंट्स। आपके जो भी सवाल है आप उसे या तो नीचे वाले कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा दैट इज 9869577533। आप वो नंबर वहां पे नंबर को आप सेव कर लीजिए एंड ये नंबर पे आप व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं आपके क्वेश्चंस, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड देर आर चांसेस कि माइट बी आपका क्वेश्चन मिस हो जाए। सो प्लीज सेव दिस नंबर, यू सेंड इट ऑन व्हाट्सएप एंड वी विल मेक इट श्योर कि आपका सवाल हम आज पूछेंगे यहाँ पे। एंड जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा दैट विल बी टेकन आफ्टर द प्रेजेंटेशन इज कम्प्लीटेड। सो वन मोर रिक्वेस्ट, लाइक मैं हमेशा पूछती हूँ, अगर आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है प्लीज टाइप येस। आपका जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आपको सिर्फ येस टाइप करना है जिससे मैं जान सकूं कि whatever I'm talking आप इसे अच्छे से सुन पा रहे हो। ऑल्सो मीन वाइल डोंट फर्गेट टू कीप ऑन शेयरिंग एंड लाइकिंग द वीडियो। इट्स अ डिस्क्लेमर एज यूजुअल कि ये जो वेबिनार है ये हम एजुकेशनल सीरीज लाए हैं ताकि वी ट्राई टू एजुकेट यू ऑल एंड ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। एंड यहाँ पे जो भी व्यूज हम बता रहे हैं वो हमारे व्यूज है या हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स है उनके व्यूज है। ऑल्सो वी ट्राई टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द कंटेंट। जितना आपको ज्यादा से ज्यादा हम चीजें बता पाए समझा पाए उस चीज के लिए हमने ट्राई किया है एंड ट्राई किया है कि सारा कंटेंट इसमें हो जिससे आपको फायदा हो। बट अगेन केस टू केस बेसिस प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आपका जो रिक्वायरमेंट है चेंज होता है, उसी हिसाब से हमारा जो इंफॉर्मेशन है डेटा है वो भी चेंज हो सकता है। सो दिस इज नॉट टोटली एग्जॉस्टिव। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ रीडेवलपमेंट हम आपके लिए लेके आए हैं आज a webinar on sales and marketing. It is the most hot topic in self redevelopment specially और इस पे हम आज discuss करेंगे in depth. And for this, जैसे मैंने आपको बताया हमारे आज guest speaker है Mr. अभिषेक खंडेलवाल. He is an expert in this and आज I am not going to talk very much. अभिषेक खंडेलवाल is going to come in and he is going to explain you. वो आएंगे और वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से sales and marketing industry में जो हमारी industry का जो sales and marketing segment है इसमें किस तरीके से काम किया जाता है, मार्केट रिसर्च का किस तरीके से आपको हेल्प होगा। सो टुडे यू विल नो, आज जब आप जाओगे ये वेबिनार देख के वापस तो आई कैन गारंटी यू कि आपको सेल्स एंड मार्केटिंग किस तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट में करना है उसका आपको नॉलेज आ जाएगा एंड व्हाट इज द राइट वे किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना है वो पता चल जाएगा। क्या मार्केटिंग टेक्निक्स होती है, क्या सेल्स स्ट्रेटेजी होती है एंड किस तरीके से आप अपना सेल्स बूस्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें आज आपको पता चलेगी। सो आज के टॉपिक के टॉपिक्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, अगेन जो लोग लेट ट्यून इन हुए हैं जो लोग अभी ट्यून इन हुए हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगी वापस,
आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन सेव दिस नंबर 9869577533, आप इसे सेव कीजिए और आप इस पे व्हाट्सएप पे भी आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं आपके। तो आज जो टॉपिक्स कवर करेंगे अभिषेक यहाँ पे, सो दैट इज द एंटायर एग्जीक्यूटिव समरी, मार्केट रिसर्च क्या होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, सेल्स एंड मार्केटिंग का रोल क्या होता है, हाउ व्हाई इज इट दैट इम्पोर्टेंट, एंड पोस्ट सेल्स प्लस लाइफ केस स्टडी एंड रिपोर्ट। ऑब्वियसली वो इस इंडस्ट्री में है, ही इज डूइंग द वर्क सिंस क्वाइट सम टाइम, उनका पूरा एक्सपीरियंस है जो आज आपके लिए लेके आया है। वी हैव बॉट दिस फॉर यू फॉर आवर व्यूअर्स, सो आई वुड रिक्वेस्ट अभिषेक सर प्लीज आप यू जस्ट कम इन एंड टेक चार्ज ऑफ एवरीथिंग। Yeah, am I audible, Nupur? Yes, yes, perfectly audible. Yes, you can. Thanks. Those are like very kind words by Nupur. So they say like it takes years to build a home and months to decide whether to buy or not. I don't think so. Like half an hour will be enough for all the audience to, you know, show them what is about sales and marketing, but I'll try my level best. So good evening, all the panelists and the viewers. There's a lot to speak on sales and marketing. Whatever time admits today, I'll try to focus on brief points. आप हिंदी में बात कीजिए ना प्लीज, तो सबको समझ आ जाएगा, मतलब बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, तो हिंदी इज अ मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूं। ओके, मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूं। या थैंक्स। हां, सो जो भी पैनलिस्ट और को-होस्ट जो प्रेजेंट है उनके लिए गुड इवनिंग, एंड ऑल द व्यूअर्स, लाइक आई एम यूज्ड टू इंग्लिश, तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आएगा बीच में, सो प्लीज मेक अ पार्डन ऑन दैट। मैं ये कह रहा था कि सालों लग जाते हैं घर बनने के लिए और शायद महीनों लग जाते हैं डिसाइड करने के लिए आपको लेना है नहीं लेना है। हाफ एन आवर आज मैं ये तो बता नहीं पाऊंगा कि आपको किस तरीके से बिक जाएगा या बेचना है, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू इन्फॉर्म और रादर शेयर व्हाटएवर एक्सपीरियंस आई हैव इन लिटिल इयर्स ऑफ माय फ्यू इयर्स ऑफ माय करियर व्हिच मे बी यूजफुल फॉर यू गोइंग फॉरवर्ड। सो आई विल जस्ट स्टार्ट ऑफ विद लाइक यू नो अ लॉट टू टेल ऑन, मतलब बहुत कुछ है जो शेयर करने लायक है, बट जो आज टाइम के हिसाब से आपको मैं सेल्फ डेवलपमेंट जो टॉपिक अष्टावक्रॉन्स ने रखा है, तो आई विल ट्राई टू ब्रीफ उसी के संबंधित अबाउट द सेल्स एंड मार्केटिंग इन पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर डोमेन। सो ओके, सो नाउ ये शायद आपको पता ही होगा कि देयर इज नो डाउट इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट मार्केट्स इन द वर्ल्ड, एंड इन इंडिया अपना एग्रीकल्चर के बाद में रियल एस्टेट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी। सो दिस आर ऑल लाइक व्हाट यू से इन हिंदी इज ज्ञान, सो आई माइट नॉट स्पेंड ऑन दिस मच। तो आपको पता ही है ये सब कि द सेक्टर इज द प्रोबेबली द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। यू हैव टू सेल अर्थ, आपको घर बेचना है, जमीन उसके ऊपर बिल्डिंग, सो इट्स लाइक इट्स ड्रीम फॉर पीपल। इट्स नॉट लाइक कि आप यू नो कपड़े खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो, तो इट इज द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ एनी इंडिविजुअल। तो इंडिया में अभी जिस हिसाब से लास्ट अगर 2-3 साल छोड़ देंगे तो उसके पहले काफी ग्रो रहा है और कंसिडरिंग अपना डेवलपिंग से डेवलप्ड होगा, सो इट्स $1 trillion का एस्टिमेशन है। आई हैव गॉट दिस फ्रॉम फ्यू रिपोर्ट्स व्हिच इज पब्लिकली अवेलेबल, जो काफी बड़ा इंडस्ट्री है कंसिडरिंग आज के 2020 के हिसाब से। इट लाइक प्रोबेबली विल बी लाइक 2-2.5 times और प्रोबेबली 3 times बिगर इन नेक्स्ट 5-10 years, जो क्यूमुलेटिव बिटवीन 60-70 साल से हुआ नहीं। थैंक्स टू रैपिड अर्बनाइजेशन काफी लोग शहर में आ रहे हैं, जो शहर है जो शहर में वो तो शहर में ही रहेंगे, हेंस सेल्फ डेवलपमेंट, वो कहीं गांव जाएंगे नहीं, तो सेल्फ डेवलपमेंट ने तो ऑब्वियसली आपको बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा। फिर देन पिछले काफी सालों में जैसे काफी लोग कहते हैं अभी भी कि रियल एस्टेट को इंडस्ट्री दर्जा नहीं मिला है, हालांकि अफोर्डेबल हाउसिंग को मिल गया है बट इंडस्ट्री को ऐसे रिलेस्टेट नहीं मिला है। तो बट गवर्नमेंट ट्राई कर रही है नए नए एक्ट्स लेके आना, जैसे हाल ही के दिनों में अगर आपको पता होगा कि डेवलपर्स के एंगल से ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन दैट, बट एक कंज्यूमर के हिसाब से तो काफी बेनिफिट है कि आपको ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है इंडस्ट्री में। सो जैसे रेरा आ गया, देयर इज अ जीएसटी, देयर इज आपको काफी अफोर्डेबल हाउसिंग में काफी टैक्स ऑफ्स है, एग्जम्पशन है, सो काफी ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट भी अभी हेल्प कर रही है, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल टू बाय अ होम। तो ये तो आप देख सकते हो एंड most of our audience know about this. Going forward, now sales and marketing, this obviously like will go hand in hand, so
आपको मतलब बताओगे नहीं आप क्या बना रहे हो और तो बेचोगे कैसे. तो लाइक मार्केटिंग इज लाइक बताना और सेल्स लाइक बेचना. सो यू हैव टू डू मार्केटिंग टू गेट द सेल्स डन. इट्स लाइक बोथ गो हैंड इन हैंड. सो इसमें ये टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है कि फाइव पीस ऑफ मार्केटिंग. ये शायद काफी लोग जो MBA किए उनको पता होगा कि देयर आर लाइक सिंपल कोई भी सेल इज नॉट नेसेसरली रियल एस्टेट. कोई भी सेल अगर करना है एनी प्रोडक्ट सो देयर लाइक फाइव पीस आर द कोर ऑफ इट. प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस एंड पीपल. मैं आज आपको ये बताऊंगा ये फाइव पीस एक्चुअली ओरिजिनेट कहां से हुए. ये जस्ट जोक है, इसका कोई बुक नहीं मिलेगा आपको जस्ट फॉर दिस प्रेजेंटेशन पर से. दे ऑल स्टार्टेड विद 5 G's एंड 5 F's. Now, what are the 5 G's? इमेजिन अगर आप खुद घर लेना जा रहे हो तो या कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हो तो आपका सबसे बड़ा 5 ये पेन पॉइंट है. अभी रियल एस्टेट में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो आई विल स्टिक टू रियल एस्टेट. यू हैव टू गेट द बेस्ट प्रोजेक्ट. कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं गलत प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊं. Everybody want the best project. हाँ, वो कैसे मिलेगा? That obviously we'll share in the second half of the presentation. Get the best product. सबको ही चाहिए best product. Nobody want to compromise. और अच्छा, then the third most important, considering the Indian mentality, कि best product चाहिए भैया, but आपको पैसा भी बढ़िया चाहिए. तो you have to get the best price as well. Then ये सब हो गया, but how फिर आपका confidence कैसे मिले? Like सबको पता होता है कि भाई जिंदगी भर का saving आप लगा रहे हो. कल को अगर प्रोजेक्ट नहीं बना तो क्या? हाउ यू गेट कॉन्फिडेंट ऑन ए पर्टिकुलर डेवलपर हो या कोई भी सेल्फ डेवलपमेंट में कोई सोसाइटी डेवलप कर रही हो. और पेशेंस, ये सब होने के बाद में पांचवा पेशेंस है जो शायद आपको जब तक चाबी नहीं मिलेगी तब तक मिलेगा नहीं. तो ये 5 G's है. अब इसको उल्टा देखिए, ये आपका प्रॉब्लम है जो घर खरीदने चाहते हैं. अब जो घर डेवलप करना चाहते, शायद दोनों ऑडियंस है, जो बनाना भी चाह रही है और खरीदना भी चाह रही है. अब जो बनाना चाहेगी उनके 5 F's है. अब वो प्रॉब्लम ये है, आप तक वो पहुंचे कैसे? हाउ यू विल फाइंड द न्यू कस्टमर? ओके, देन पहुंच भी जाएंगे तो आपको क्या प्राइस ऑफर करें? बिकॉज रियल एस्टेट में ऐसे आपको तो ये नहीं है कि मॉल में गया, MRP देख लिया, स्कैन कर गया, मिल गया. इट्स मोर ऑफ अ कस्टमाइज, आपको बैठना पड़ेगा, सामने डिस्कशन करना पड़ेगा. तो MRP नहीं होता है. हाँ, हालांकि काफी डेवलपर्स जो ब्रांडेड डेवलपर्स है जो MRP भी नहीं बट कॉस्ट नेगोशिएट नहीं करते. बट मार्केट सिनेरियो ऐसा है, एवरीबडी नोज कि सेल प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो राइट प्राइस मिले कैसे? तो राइट का डेफिनेशन क्या है वो भी पता चलेगा आपको. अब राइट प्राइस मिल गया, कस्टमर मिल गया, बट आपको यही पता नहीं है कि भाई आपने जहां बनाया है आपका प्रोडक्ट या बनाने जा रहे हो आप प्रोडक्ट, आप इसमें आप सोसाइटी को डाल के देखिए या डेवलपर को डाल के देखिए. आपको पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी अगर 2,000-2,500 यूनिट्स अनसोल्ड है और आप वहां पे जा रहे हो बनाने के लिए, तो देर इज अ गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. वो कैसे आप फुलफिल करोगे कि आपका डिमांड और सप्लाई कैसे मैच होना है? दैट आई विल कवर इन मार्केट रिसर्च. अब ये सब हो गया, देन यू हैव टू हैव टू लास्ट F, मार्केटिंग कैसे करना है कि आपको कस्टमर तक पहुंचने के लिए कॉस्ट कम रख के या कॉस्ट को अच्छे से ऑप्टिमाइज करके कस्टमर तक पहुंचना है. और सबसे इंपॉर्टेंट, कस्टमर पहुंचने के बाद में आपको कस्टमर को कन्वर्ट कैसे करना है. तो ये खरीदार के जो 5 P's है और जो बेचने वाले के जो 5 F's है, यही सब सेल्स एंड मार्केटिंग है. यही है जिसके अंदर आपको जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है 5 P's वो कवर हो जाते हैं. अभी ये कैसे डिफाइन करें? नाउ फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी दो बार, आप अब कोई भी अगर चीज लेने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप रिसर्च करोगे उसके बारे में. अभी रिसर्च डिपेंड करता है कि वो चीज का क्वांटिफिकेशन महत्व कितना है. अगर इफ यू आर गोइंग टू बाय क्लोथ्स तो शायद आप इतना सोचोगे नहीं, या फिर ब्रांड अगर कोई कॉन्शियस हो तो सोचेगा. या अगर कोई आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आप जोमेटो पे जाओगे, मेन्यू देखोगे, रिव्यूज देखोगे, तो यू विल टेक अ डिसीजन. व्हाट अबाउट बाइंग अ होम? Or rather, what about developing a home? Because now this is more concerned towards like development, because it's a self-development society है, तो काफी audience वैसे है. तो अगर आप बनाने जा रहे हो तो आपको तो बिल्कुल ये करना चाहिए कि आपका सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है बहुत बार, जो नयन भाई मुझे काफी बार पूछते हैं, अभिषेक सेल्स कैसे अचीव करें और सेल्स कैसे होगा और 100% सेल्स अचीव कैसे होगा. शायद अभी भी काफी लोग इसमें, मैं जब देखूंगा अभी क्वेश्चन तो पता चलेगा. मैं कहता हूं कि अगर रिसर्च में जितना हो सकता है अगर अपने को पता चलेगा कि सेल्स हो रहा है तो ही हम लोग प्रोजेक्ट में हाथ डालेंगे.
अगर नहीं हो रहा है तो प्रोजेक्ट वायबल ही नहीं है. तो इट्स एज सिंपल एज दैट. सो मार्केट रिसर्च इज द फोरमोस्ट थिंग व्हिच कैन डिफाइन नॉट ओनली द आपका स्टार्टिंग की क्या प्रोडक्ट बनाना है, क्या प्राइस पे आपको लॉन्च करना है या फिर कैसे एस्केलेशन करना है, आपको कब तक वो इन्वेंटरी होल्ड करनी है या कौन से रेट पे निकालना है, से लेके एंड ऑफ द डे कब तक बिक सकता है. हाँ, ये सब कुछ पेपर पे है बट एटलीस्ट आपको एग्जाम में तो जाने के पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है. तो प्रिपरेशन इज मस्ट, अदरवाइज विल डेफिनेटली फेल. सो मार्केट रिसर्च नथिंग बट प्रिपरेशन. तो ये मार्केट रिसर्च में आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा. और काफी जो बड़े डेवलपर्स है जो लाइक मेरे काफी कॉलीग्स जो काम करते हैं काफी डेवलपर्स के साथ में, सो यही सब सिखाया जाता है और यही सब एक्सपीरियंस वो काम में लगाते हैं प्रोफेशनली. जो कि अभी अंडर दिस पीएमसीज ऑफ द वर्ल्ड और सेल्स मार्केटिंग एजेंसीज जो अभी इंटीग्रेट होगी सेल्फ डेवलपमेंट है, सेम जो नॉलेज है इधर ट्रांसफर होगा और यही सब चीज आपको भी करनी होगी. अभी इमेजिन कर लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट अंधेरी वेस्ट में है. अभी अंधेरी वेस्ट में आप मैंने वो रिपोर्ट लाई है तो मैं आपको दो रिपोर्ट भी दिखाऊंगा आज. उसके पहले मैं वो रिपोर्ट तक जाने के पहले किस तरीके से रिसर्च होता है और किस तरीके से एक बड़े डेवलपर से कोई भी इट्स लाइक यूनिवर्सल जो प्लान करते हैं, आपको सबसे पहले देखना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर लोकेशन में क्या डिमांड है, कितना वो एरिया में काफी इकोनॉमी ड्राइव. जैसे मलाड में माइंड स्पेस है तो यू कैन हैव एन एस्टिमेट कि यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री है तो लोग खरीद लेंगे. वो देखना है. वहां पे आपको देखना है कि एब्जॉर्प्शन ठीक है. आप 200 करोड़ 250 करोड़ का अगर सपोज उसमें पिछले क्वार्टर में माल बिका है इन अवर रॉ लैंग्वेज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी बिकेगा. तो वो आपको क्योंकि आगे और सप्लाई आने वाला है, आप हिस्ट्री तो देख लोगे कि बताए बिक गया यहाँ पे तो भाई बिकता है तो बिक जाएगा. नो, इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट. बिकॉज आपके जैसे 10 और लोग सोच रहे हैं मार्केट में कि भाई 500 करोड़ बिक गया तो 1000 करोड़ बिक जाएगा. तो आपको वो भी देखना है कि आगे डिमांड कितनी आने वाली है और वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए ऑलरेडी अगर सप्लाई है तो आपका मैथ्स गलत है. फिर आपको ये देखना है कॉम्पिटिशन कि आपके आप जो सोच रहे हो वैसे और कितने लोग सोच रहे हैं और सोच चुके हैं रादर. So that competition, now you as a society will be competing कि काफी बड़े developers साथ आप compete करोगे. हाँ, ये actually in fact ये negative नहीं, ये positive है क्योंकि developer का एक अलग challenge होता है, वो भी मैं बताऊंगा. कि as an individual आप as a society without an brand name you'll be selling. तो ये काफी important question है जो मैं try to address करूंगा, but उसमें भी competitive analysis आपको करना पड़ेगा. Fourth most important point कि आपके पास कस्टमर्स आएंगे तो आप ढूंढोगे कहाँ पे, लाइक आपको कौन से प्रोफाइल के कस्टमर्स मिलेंगे और वो मिलेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे आप. तो दैट यू हैव टू आल्सो डू इन योर मार्केट रिसर्च. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्राइसिंग. प्राइसिंग तो बहुत ही ये डेफिनेशन ही ऐसा है कि अपने हिंदुस्तान में बोलते हैं कि देने का भाव बोल. सो अभी इट्स बीन लाइक सिंस मेनी मेनी ईयर्स नाउ. So, अभी देने का भाव अगर आपको पहले से अगर डिफाइन हो गया है और आपका उसके अंदर जो मैथमेटिक्स बैठ रहा है कि दिस इज द वन विच कैन एक्चुअली आपको प्रॉफिट दे सकता है, तो मेरा तो यही है फीडबैक. मैं सबको यही कहता हूँ कि आप वही प्रोजेक्ट उसी प्राइस पे लॉन्च करें, रियलिस्टिक प्राइस पे लॉन्च करें, रियलिस्टिक प्राइस पे एस्केलेशन करें और रियलिस्टिक टाइम पे आप उसको वो प्राइस को फुलफिल करके इन्वेंटरी को आप सेल कर दीजिए. तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है, इट्स नॉट लाइक कि आपको आज ही पूरा बेच देना है, इट्स नॉट लाइक कि आपको पूरा खत्म होने तक बेचना है. यू हैव टू प्लान कि आपका जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन स्लैब्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप प्राइसिंग सबवेंशन स्कीम वगैरह सुना होगा आपने, उसने उन्होंने बैन कर दिया था कि 590 595, तो कुछ एक बैन हो जाता है तो एक नया आ जाता है. तो ये डेवलपर्स काफी इनोवेटिव होते हैं इसके अंदर प्लान करने के लिए. तो वो वी हैव टू सी कि किस तरीके से हम लोग प्लान. अभिषेक एक मिनट में आई जस्ट थोड़ा है ना अपना कैमरा थोड़ा एडजस्ट करो कि पीपल वांट टू सी यू प्रॉपरली. सो योर हाँ फुल हाँ हाँ राइट प्लीज या इज इट फाइन नाउ. नो जस्ट और थोड़ा मतलब हाँ सेट करो थोड़ा. इट इज गेटिंग अगेन दैट वे. हाँ यस नाउ इट्स ओके फाइन. या थैंक यू वेरी मच. या बिकॉज़ आई कांट सी मायसेल्फ तो इसके लिए मैं बोल रहा था. Alright. So, So what are the essential steps to launch your marketing plan? So, now इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं बिताऊंगा.
because I have to go to show you their live reports. This is very textbookish, where you can actually see कि आपको आपका define करना है आपको कि क्या आपको कितना अगर आपका society में 40 flat free sale के लिए निकलेंगे तो आपको देखना पड़ेगा आपका sort जो you know you have got बाकी जो के competition का क्या weakness है क्या opportunities आपको अगर launch करना है क्या it's very simple ये सब हम मतलब there is it's a loop basically you have to define the goals you have to measure आपका analysis कि आपके competition का क्या strength weakness opportunity आपके लिए क्या है आपका core क्या है देने के लिए अभी आप society हो आप बोलोगे कि मेरा ऐसा कोई PR arm नहीं है या कोई ऐसा कोई brand नहीं है जिसको मैं ऐसा vision करूं वो तो हम लोग बता देंगे कि किस हिसाब से करना है कंपटीशन असेस करना है आपको आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए आपको कंटेंट डिजाइन करना है सो लॉट ऑफ एजेंसीज आर देयर तो इस पे जो काम करते हैं माल जो आपके अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड बिकॉज दैट्स अ जनरल वर्ड पीपल यूज इन इन ऑन द ग्राउंड ब्रोकर्स या मार्केटिंग एजेंसीज दे वर्क फॉर मनी राइट तो अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है व्हाई नॉट ब्रोकर्स विल वर्क सो योर ब्रोकर्स विल वर्क फॉर यू फॉर ब्रोकरेज कोई भी मार्केटिंग कंपनी है कोई भी पीआर एजेंसी है दे अगेन do job right they have their own company तो वो भी है तो जो developer के पास है वो आपके पास है क्योंकि वो developer भी outsource करते हैं majorly हाँ there will be team to assess or take care and take decisions and represent developer but brokers marketing agencies जो planning बनाना है आपको ये सब कुछ आज industry में मिल जाता है और काफी expert in companies बन गई है market में जो अच्छा कर रही है इसके अंदर budgeting करना है आपको before you launch after the launch फिर adjust so it's a loop so which has to be completed aapko ek market launch karne ke pehle market mein then types of marketing now ye to aapne sabko pata hi hoga isme zyada kuch batane ki zarurat nahi hame thoda ek brief kar deta hu jo aap bahar dekhte ho newspaper mein padhte ho ya outdoor dekhte ho usko atl bolte hain aur jo btl is like jo more specific groups ke liye डायरेक्टली आपको ईमेल आ गया किसी का प्रमोशन का आ गया अभी आजकल एक नया डेवलप हो रहा है टीटीएल विच इज लाइक थ्रू बिकॉज आप अगर बहुत से लोग क्या चाहते हैं इम्पैक्ट एडवर्टाइजमेंट्स का चाहते हैं कि आप बाहर जाते हो हालांकि अभी तो कोरोना चल रहा था शायद बाहर तो कोई जाता भी नहीं है और ये भी देखना पड़ेगा आगे जाके कि ऐसा वक्त आ जाए कि बाहर के आउटडोर होर्डिंग्स ना चले बिकॉज देखने के लिए कोई जाए तो सही बाहर और जाए तो उतना इंप्रेशन आए सो दिस ऑल विल इवॉल्व बट टेक्स्ट बुक डेफिनेशन तो वही रहेगा तो आप देख के आ गए ऐड और आपको दोबारा वो काफी बार ऑब्जर्व किया होगा आपने कि दोबारा वो ऐड दिखता है आपको आपके न्यूज़पेपर में और दोबारा आपके सोशल मीडिया में कोई फेसबुक में आपका एक राइट हैंड साइड कॉर्नर में वो ऐड फ्लैश होगा सो लाइक आपको छोड़ना ही नहीं है उन्हें तो कोई भी आप प्रोडक्ट ले लो नॉट नेसेसरी रियल एस्टेट दिस इज यूनिवर्सल पीपल डोंट लुक हैमर बिकॉज इट्स सच अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री तो ये एक टाइप्स ऑफ मार्केटिंग हो गए ऑफलाइन मार्केटिंग के कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं कल ही डिस्कस कर रहा था अभी ये तो सबको पता ही है कि पेपर एड्स रेडियो टीवी एंड स्टफ लाइक दैट अभी तो ऐसे ऐसे चीजें आ गई है जैसे अभी आपने पहले होगा कि कोई एड आती है कि पहले परखिए फिर या पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास like new strategies are evolving so ye you have to be acquainted with this kind of aur aapki jo agency rahegi wo aapko sab ye batati rahegi ki abhi chal kya raha hai market mein aur kis tarike se customer ka mind you know change hota hai maneuver hota hai ki abhi to tiktok chala to tiktok pe ad karna chahiye aap ya fir facebook chala to facebook ad karna chahiye aapko halak jahan to these are like all optimization of your marketing plans then online marketing ke kuch examples dikha deta hu aapko main ki which again most of you will be knowing this jo aapko use karna hai jo maine aapko bataya tha ki jo aapko flash hota hai ads it is through multiple of this ki aapko search engine optimization pe kuch keywords optimize karne hote hai google pe agar aapko imagine koi flight ki ticket aap search kar rahe ho ye sabko pata hoga dobara aap jaoge facebook aapko wapis dikhayega so it's like remarket to ye kafi cheez in depth mein jaane ke liye halanki abhi time ki kamta ke jaise I'm just bouncing it off across with you ye kuch to ye sare hi mere use karne hai apne ko बट ऐसा नहीं कि सबके सब यूज करना है डिपेंडिंग अपना प्रोडक्ट कि अपना प्रोडक्ट का ऑडियंस वो जो पता चलेगा आपको कि एक बार अपना रिपोर्ट बन जाएगा मार्केट रिपोर्ट और एक बार अपना बायर प्रोफाइल रिपोर्ट बन जाएगा देन वी कैन सी इसमें से किस तरीके से कौन सा ऑफलाइन ऑनलाइन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ विल बी यूजफुल
एंड कितना बजट एलोकेट करें उसके अंदर और किस तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. सिमिलरली यू हैव गॉट मोबाइल एप्स व्हिच एवरीबॉडी नोज की सब कुछ यूज करना है. सो बेसिकली ये सब यू नो यू कैन हैव की नॉर्मल ऑनलाइन ऑफलाइन और मोबाइल आईडी. अभी पोस्ट करो ना, आई थिंक जो ये काफी इवॉल्व हो सकता है, जो हमें भी लगता है कि आप बैठे हो अपने घर में, डेवलपर बैठा है अपने घर में, या फिर आप अपने सोसाइटी डेवलपमेंट जो भी आप रहोगे जहां पे भी हो रहेगा और कंस्ट्रक्शन टीम बना रही है, अगर आपको लेना ही नहीं है तो आप क्यों आप कांदीवली से निकलोगे और चेंबूर जाओगे, राइट? अगर आपको चेंबूर में लेना है तो फर्स्ट यू विल एक्चुअली व्यू थ्रू वर्चुअल रियलिटी. सो ये काफी बार आपने सुना भी होगा टर्म, ये अभी काफी इवॉल्व होगा बिकॉज पीपल वांट टू एक्चुअली नॉट ओनली सेव द टाइम, सेव द फिजिकल कॉन्टैक्ट कंसिडरिंग द टाइम. और मैंने तो ऐसे भी सुना है कि अभी तो यू नो कोरोना सेफ होम्स भी लॉन्च होने वाले हैं, वेर इन यू एक्चुअली इट विल बी सर्टिफिकेट कि वायरस फ्री होम्स. तो ये सब जो नए नए रोज इवॉल्व होता है, तो आपकी एजेंसी इससे अकॉर्डेड होनी चाहिए. आपको जब चूज करना है, यू हैव टू बी, दे हैव टू बी अकॉर्डेड विद ऑल दिस इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज. नहीं तो ऐसा नहीं हो जाए कि आप पीछे, बिकॉज इसमें क्या होता है कि डेवलपर्स के लिए या फिर बाकी सब जो लार्ज कॉर्पोरेट्स है उनके लिए रोज का होता है. But for you, it is not like everyday thing, right? You have to actually keep on. Or if agar koi aapke isme se hai who is interested in the society, nothing like that. So ye kafi evolve honge. To jaisa ki ye sab bata raha tha aapko main, jo agencies hai wo ye sab kaam karegi, aapko ek go to market strategy banayegi jiske andar before you actually think ki abhi project apne ko karna hai, तो उसके लिए आपको पूरा स्ट्रेटेजी बनेगा, टारगेट ऑडियंस डिफाइन होएगा, आपका मीडिया का प्लानिंग होएगा, बजटिंग, बिकॉज़ यू मीडिया खरीदना पड़ेगा उसके लिए बजट. आई थिंक मिस्टर नयन विल टेल यू मोर अबाउट की द बजट एलोकेशन विल बी हाउ फ्रॉम मुंबई बैंक और व्हाटएवर एजेंसी इज देयर फॉर द लेंडिंग साइड, कि मार्केटिंग में किस तरीके से उसको हम लोग पुल इन कर सकते हैं, बिकॉज हमको पे करना है आगे, बिकॉज वी हैव टू पे टू द एजेंसीज, गूगल विल नॉट लाइक डू इट फ्री, राइट? सो ये सब कुछ अपने को देना पड़ेगा, उसका प्लानिंग करना है. उसके बाद में there will be lot of people will call, तो सारा बैकएंड बैठाना पड़ता है कि जिसके हिसाब से वो उसका पूरा ट्रैकिंग करना पड़ेगा, उसको फॉलो अप करना पड़ेगा. फिर उसमें एक कस्टमर तो आपको पता है कि वो 25 जगह जाएगा, एंड एवरीबडी विल बी कॉलिंग, तो सबको सबसे अच्छा मतलब उसको जो घर लगेगा वो डिसाइड करेगा. अभी सबसे अच्छा लगने तक आपको उसको जितना हो सकता है सर्व करना है, पुश करना है उसको साइड विजिट आने के लिए. दिस इज लाइक सब, ये सब आपका गो टू मार्केट स्ट्रेटेजीज है जो आपको पहले आपकी एजेंसी के साथ डिस्कस करना है. तो उसके बाद में ये काफी फिजिकल जो एक्टिविटीज है जो आपकी एजेंसी करना चाहिए, कि जैसे कोई भी इंक्वायरी जनरेट हुआ है उसका एक प्रॉपर स्टार्ट से लेके एंड तक एक स्टोरी बनानी है, बिकॉज घर बेचना इज लाइक अ स्टोरी, राइट? बिकॉज आपको, या घर खरीदना सॉरी इज अ स्टोरी, बिकॉज एक एक जो कुछ नीड है एक ह्यूमन बींग का वो फुलफिल करने जा रहा है, तो उसका पूरा. सो इट लाइक काफी लोग कहते हैं लाइक यू नो टू सेल इज एक्चुअली एन आर्ट, राइट? सो एंड ऑल्सो टू बाय is not like always impetus upon your own thoughts ki bhai aapko kar, this like decision is from like can be from any source, like koi bhi source ho sakta hai aapke decision ka, ya aapka parents ho sakta hai, aapka you know your future planning ho sakta hai. So you have to understand your customer well, you have to be in uske shoes mein rehke aapko sochna padega ki uska need kya hai. To bechna zaruri nahi ki sir aapne flat liya nahi kab aayenge, it's not like that. Aapko uska ek story dekhna padega ki wo kahan se aa raha hai, मतलब उसका एक साथी बनके, उसका एक दोस्त बनके आपको गाइड करना है. ये सब जो सेल्स टीम है का काम है, तो वो काफी क्वालिफाइड लोग लगते हैं. दैट अगेन जो ऑन ग्राउंड आपका सेल्स चालू हो जाएगा तब रिक्रूटमेंट वगैरह उस तरीके से करना चाहिए, जो इसमें एक्सपीरियंस हो वही सेल्स लोगों को आपको रिक्रूट करना चाहिए. ऑन साइट में काफी आपको सिस्टमैटिकली मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज वो जो कस्टमर है उसके पास अभी एक्सपीरियंस रहा है डेवलपर को पास जाके अच्छा देखने का. यू नो दे विल शो एक वॉक थ्रू होगा, एक 3D visualization के लिए room होएगा, then you will have a digital forms to sign. तो ये सारा सब कुछ देखिए वो mesmerize हो जाता है customer. तो ये सब का भी, हालांकि अभी वो मुझे देखना पड़ेगा अपने को कि आपका scale क्या है project का, पर जिसके अच्छे जो component है जो customer को tick करेगा, हाँ end of the day सबसे उसका जो result is घर. सबसे बड़ा जो लोग कहते भी हैं कि सबसे biggest branding exercise इसकी घर का चाबी देना, वो तो जब होगा तब होगा, बट जब तक घर नहीं मिलेगा, बनेगा अंडर कंस्ट्रक्शन है, तब तक आपको उसको बताना पड़ेगा, बिकॉज इट इज लाइक ड्रीम फॉर यू एंड फॉर हिम एज वेल, और हिम और हर एज वेल. तो और अपना रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी ऐसा ही है कि जहाँ पे आपको बेचना पहले होता है मिलता बाद में. तो बहुत से ऐसे, बहुत कम ऐसे इंडस्ट्रीज है जो ऐसे होते हैं कि जहाँ पे अपने को हवा दिखाना पड़ता है. हालांकि फुलफिल करना बहुत जरूरी है, नो डाउट, और फुलफिल करना है तो ही अपने को प्रोजेक्ट लॉन्च करना है. उसके बाद में आपको जो एक बार कस्टमर आ गया उसको फॉलो अप करने के लिए सारा बैकएंड सिस्टम बैठाना है.
उसके सब सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, उसके एग्रीमेंट प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये सब के लिए आपको एक टीम हायर करना बहुत जरूरी है, जो आपका जो भी सेल्स और मार्केटिंग एजेंसी होगा वो ये सब वेल इक्विप्ड होना चाहिए उसका, बिकॉज इसमें लोन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो उनके सारे जो आपके प्रोजेक्ट में जो सैंक्शनिंग मिलेगा जो भी बैंक्स और एनबीएफसीज का, उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन, फिर क्लाइंट का समझना उसका कितना क्या प्रोफाइल है, क्या उसका सैलरी है, उसके हिसाब से उसको बेस्ट ऑफर देना, ये सब। सो इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने को मतलब सेल्स इज लाइक वन शॉट डेफिनेटली बेच देना है, नो, पूरा ये सब कुछ एक साथ करना है कि राइट फ्रॉम मार्केट रिसर्च टू फाइंडिंग योर कस्टमर टू एक्चुअली मेकिंग योर गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी टू फाइंडिंग द कस्टमर टू नर्चर द लीड। उसके बाद में आपको एक बार आ गया उसको परस्यू करना है। आ गया मतलब इट्स लाइक जैसे हाफ द बैटल वन, पूरा आपका हुआ नहीं है। उसके बाद में आप तो ये दिस लाइक ये सब आपको अभी करना पड़ेगा, बिकॉज यू इन बिजनेस ऑफ दिस नाउ। एटलीस्ट फॉर 2-3 साल के लिए जो भी आप बिजनेस करोगे आपको बिजनेसमैन जैसा सोचना पड़ेगा। हाँ, आपको 25 साल तक के लिए नहीं सोचना है, बट उस वक्त के लिए आपको सोचना पड़ेगा। पेमेंट कलेक्शन इज अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि अभी तो जैसे अभी जैसे कोरोना जैसा आ गया चीज शायद आगे ना आए, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो प्लानिंग अपन बनाते हैं यू नो ऑन द एक्सेल और इन द फाइल्स, वो फुलफिल नहीं होती है, बिकॉज हम लोग ये जो अनप्रेसिडेंटेड चीजें जो भी प्लान ही होती है, तो उसके लिए भी अभी जब से एक्सपीरियंस आ गया है तो वो भी अभी कि जिस हिसाब से आपको कलेक्शन प्लान करने नाउ ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद में आई थिंक इफ एनीबडी कैन टेक इट ओवर, मुझे तो वो दो रिपोर्ट शेयर करनी है जो एक्चुअली ये सारे पॉइंट्स को मैं लाइव दिखा दूंगा। दो रिपोर्ट है, एक मार्केट रिसर्च रिपोर्ट जिसमें आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी देखने के लिए, और बायर प्रोफाइल जहाँ पे आपको पता चलेगा किस तरीके से कस्टमर आते हैं और किस तरीके से मार्केटिंग आपको करनी है। तो आई थिंक ओवर टू नुपुर। यस यस, थैंक यू सो मच अभिषेक। ये अभी हमको रिपोर्ट दिखाएंगे अबाउट रिसर्च, मतलब मार्केट रिसर्च किस तरीके से होता है, एंड जो टॉप डेवलपर्स है, ये रिपोर्ट्स आर टेकन बाय द टॉप डेवलपर्स ताकि वो देखें कि किस तरीके का उनको प्रोजेक्ट करना है एंड किस तरीके से प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना है। तो दीज रिपोर्ट्स आर एक्सेसिबल ओनली टू देम, और वो रिपोर्ट्स आज अभिषेक आपके लिए लेके आए हैं, तो अब अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके पहले हमारे आज के गेस्ट स्पीकर है एक मिस्टर हार्दिक मामनिया जी, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा हमको इनसाइट दे रिगार्डिंग दिस वेबिनार। हार्दिक सर प्लीज यू कैन टॉक नाउ। यस सर। मैं आज आपको एक एग्जांपल कहने वाला हूं, वो अमूल का एग्जांपल है। ये अमूल का जो एग्जांपल है ना, ये शायद आपने कोई इंटरनेट में या कोई बुक्स में या कोई गूगल पे जब आप टाइप करोगे वो नहीं देखने मिलेगा। ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन के साथ मेरे साथ मैं उन्होंने उनके साथ काम करने के टाइम में उन्होंने जो कहा था उसके साथ जो वाक्य हुआ था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आज के मार्केटिंग और सेल्स के टॉपिक के साथ बहुत बहुत कनेक्टिविटी है। अमूल शुरुआत हुई थी तब कायरा हाउसिंग सोसाइटी करके शुरुआत हुई थी, और उसके साथ फास्ट है जब ये सब होल्डर जब फर्स्ट थे तो वो लोग भी दूध देते थे, और उनका एक्सपेंस पहले 6 महीना वो खुद मार्केटिंग करते थे और खुद ही उसका सेल्स करते थे। वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाद में अमूल लिए और बाद में अमूल हार्दिक भाई वी कांट हियर यू। हिज नेटवर्क इज गॉन। ओके यस हार्दिक भाई वी कुडंट हियर यू। या आप अभी बोलिए। या प्लीज वेट आई विल अनम्यूट यू। या श्योर प्लीज कंटिन्यू। ओके या ये मेरे को यही कहना है कि ये जो फार्मर्स जो थे वही खुद मार्केटिंग और सेल्स करते थे, तो उसके जो अभी अभिषेक जी ने बताए 5P वो फार्मर्स के एकदम कोर थे कि उनको प्रोडक्ट मालूम था, उनको प्रोडक्ट खुद को मालूम था कि उनका दूध जो है वो सबसे बेस्ट है, उनकी क्वालिटी सबसे बेस्ट है, उनको उनका प्राइसिंग मालूम था, प्लेस बेचने का वो मालूम था उनको, और उनके प्रमोशन भी उनको था।
तो ये सब होने के वजह से अमूल ने शुरुआत की और आज अमूल इतने बड़े पैमाने पे खड़ा हो पाया। इसी ही तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप टफकॉन के साथ अपनी बिल्डिंग बनाओगे, सेल्फ डेवलपमेंट बनाओगे, आप मार्केटिंग फोर्स बन सकते हो। मैं जानना चाहता हूँ कि एक सोसाइटी के अंदर कम से कम 50 मेंबर रहेंगे जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जाएंगे, तो एक घर के अंदर कम से कम 4 मेंबर रहेंगे, तो 50 × 4 एक सोसाइटी के 200 सेल्समैन हो गए। तो ये आप मार्केटिंग और सेल्स कंपनी के साथ मिलके ये जो मार्केटिंग मिक्स पूरा है, ये जो 5P जो अभिषेक जी ने बताया बहुत बढ़िया है, मगर वो आपके अंदर ही है, वो अवेलेबल है आपके सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर ही अवेलेबल है, क्योंकि प्रोडक्ट आप खुद जानते हो, क्योंकि आपने खुद ने सीमेंट स्टील, आपके जो वेंडर्स है आपने खुद ने चुने हैं, आपने खुद ने PMC चुने हैं, तो यू नो योर प्रोडक्ट वेरी वेल, दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी मार्केट में आप खुद प्रोडक्ट आप कोई भी घर अपना जो जगह रहता है उसमें इमोशनली टच रहते हो, तो आपको अपना प्लेस मालूम है कि किस तरह से बेचना है उसको। प्रमोशन आज पावर की रिपोर्ट है, जितनी भी माउथ पब्लिसिटी होता है उससे बेस्ट डिजिटल मीडिया, अदर मीडिया एडवर्टाइजिंग, तो इसके साथ प्रमोशन आप लोग खुद होंगे, that is going to be the best one. I think जो 5P जो अभिषेक जी बताए वो खुद आप सेल्फ डेवलपमेंट करोगे तो आपके साथ ही है। Yes sir. थैंक यू सो मच सर, आपने ये जो रिलेट करने का कोशिश किया विथ द एक्चुअल कॉमन मैन एंड हाउ द एंटायर थिंग कैन बी लिंक्ड, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक्स अ लॉट। अभी जो लोग लेट ट्यून इन हुए हैं, इफ यू लेट ट्यून इन लेट, तो आपने ज्यादा मिस नहीं किया है। हम अभी टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम आपको लाइव रिपोर्ट्स बताएंगे कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया का मार्केट रिसर्च होता है और वो कैसे आपको आपके प्रोजेक्ट में आप काम में ले सकते हो। आपके जो भी क्वेश्चन है, कमेंट्स है, आप नंबर इस नंबर में भी भेज सकते हैं या आप नीचे के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। इफ यू सेंड इट ऑन दिस नंबर इट विल बी इजियर फॉर मी टू पिक इट अप एंड आंसर योर क्वेश्चन। Now let's invite the chairman of Tufcon's group, Mr. Jayant Gaitonde. I would request him कि वो भी आके बताए हमको कि किस तरीके से ये पूरा जो seminars का जो पूरा series है, किस तरीके से हम इसमें आगे बढ़े हैं, आज का जो sales का जो topic है वो कितना important है for self development। Mr. Jayant Gaitonde, sir please. Hello sir. Yes. हेलो एवरीबॉडी, मैं जयंत गायतोंडे, चेयरमैन ऑफ कंपनी। आई आज का जो सेमिनार है और सेल्स का है उसके लिए अभिषेक तो बहुत अच्छे तरीके से सब बता रहा है, लेकिन मुझे आना पड़ा क्योंकि इट इज आई वांट टू से थैंक्स, मेरे को बहुत लोगों को शुक्रिया अदा करना है, इसके लिए मुझे आना पड़ा। सबसे पहले व्यूअर्स बिग सैल्यूट टू यू, हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा व्यूवरशिप आ रहा है, उससे ज्यादा लोग हमारे से जुड़ रहे हैं, फैंटास्टिक रिस्पांस। हमारे इस 6 सेमिनार का ये सीरीज है, उसमें से 16th को एक हुआ, 16 तारीख को हुआ, 18 तारीख को हुआ, 20 तारीख को हुआ, 22 को हुआ, और आज 24 का है, कल 25 का है। हर सेमिनार में लोग बढ़ रहे हैं, हर सेमिनार में व्यूवरशिप बढ़ रहे हैं और हमको इतना रिस्पांस आ रहा है, सब जगह से हम लोगों को फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, एवरीबॉडी आस्किंग क्वेश्चंस फॉर अबाउट अस, और अलग अलग उन लोगों का जो इंक्वायरीज है वो हमको पूछ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। और प्लस हमारे जितना भी ये 15 सोसाइटीज है जहां पर हम लोगों को ये लोगों ने अपॉइंट किया है एज ए PMC करके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, उनका जितना भी मेंबर्स है और उनका फैमिलीज, उनको भी थैंक यू। अभी मुंबई बैंक के चेयरमैन और MLA प्रवीण दरेकर जी, उनको भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने ही ये जो सेल्फ रिडेवलपमेंट का मुहिम चालू किया था, उनका एग्रेसिव स्टार्टअप से ये सब चालू हो गया था
उसके लिए उनको भी शुक्रिया, प्लस मुंबई बैंक के सेल्फ डेवलपमेंट सेल के उदय दलवी जी और मैनेजर प्रसन्ना कोराले जी, उनको भी थैंक यू सो मच। सभी हमारे पैनलिस्ट उनको भी थैंक यू। बी राइट के हमारे एसोसिएट बी राइट के डायरेक्टर संजय शाह, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सोसाइटी के हमारे कंपनी के सभी डायरेक्टर्स जो हम लोग साथ में हैं, उनको भी थैंक यू सो मच। देन और हमारा कंपनी का स्टाफ है, हमारा कंपनी का स्टाफ अभी लॉकडाउन में भी घर से कर रहा है, थैंक यू। अभी कल का टॉपिक है, ये है अपना डीएम मॉडल है, आप कल का इसमें भी सेमिनार में भी आ जाइएगा, वो जरा अलग ये मॉडल है, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या है करके। हम लोग अभी ऐसे ही सेमिनार करते रहेंगे। आगे का हमारा नेक्स्ट सेमिनार है स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स का सॉल्यूशन हम लोग लाने के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी ने भी वो शायद सोचा है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स स्टॉल्ड इन मुंबई, उसके लिए हम लोग कुछ सॉल्यूशन ला रहे हैं, और दैट इज स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स जागो करके। ओके, दीज आर द थिंग। तो मैं ये सभी के लिए शुक्रिया करता हूँ, नमस्ते, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नुपुर, यू कैन टेक ओवर। थैंक यू सर। तो अगेन अभिषेक, आई विल हैंड ओवर टू यू। बस मुझे एक आप चीज बताइए कि ये जो मार्केट रिसर्च है, जो हम हमेशा बताते हैं हमारे सारे क्लाइंट्स को, हमारे पास्ट वेबिनार्स में भी हमने बताया है कि मार्केट रिसर्च कीजिए, उसको आपसे यू नो आपको डिटेल समझेगी। सो व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, मतलब क्यों उनको मार्केट रिसर्च करना जरूरी है, एंड वो सही रिसर्च रिपोर्ट से उनके उनके प्रोजेक्ट सक्सेस में कहाँ तक फर्क पड़ेगा, कहाँ तक चेंज आएगा, एंड कितना वो उसको सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है। तो प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस। या श्योर निपुर, थैंक्स। मैं अभी आपको जो पहला अभी तक जो आई थिंक आई कैन हैंडल, आई थिंक जो इतना आपको जो अभी 15-20 मिनट्स में जो मैंने बताया था कि ऐसे सब चीजें करनी चाहिए, ऐसे सब चीजें होनी चाहिए, तो अल्टीमेटली हाउ प्रैक्टिकली इट लुक लाइक, कि किस तरीके से ये एक्चुअल बनता है। तो मैं आपको एक हमारा कंपनी के दो प्रोफाइल, एक बायर प्रोफाइल, एक माइक्रो मार्केट रिपोर्ट बताता हूँ। इससे आपको दो चीजें पता चलेगी, एक तो आपका जो सारा जो मार्केट स्टडी जो आपको मैंने बताया था उसके बारे में एक लाइव रिपोर्ट, जो काफी नामचीन डेवलपर जो है वो यूज कैसे कर सकते हैं वो पता चलेगा, और जो कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन है कि भाई आपको अगर कस्टमर तक पहुंचना है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा वो पता चल जाएगा। तो आई विल शो यू फर्स्ट विच इज आई थिंक आई विल शो द माइक्रो मार्केट रिपोर्ट फर्स्ट। जैसे मैं आपको डिस्कशन में बताया था कि इमेजिन कर लीजिए कि आपका सोसाइटी अंधेरी वेस्ट में है, अभी आपको भी तैयारी कर रहे हैं, अंधेरी वेस्ट में आप लॉन्च करने जा रहे हो, तो आपका सेल्स किस तरीके से होना चाहिए। आई थिंक इट्स गोइंग बैक एंड फोर्थ। तो एक पिछले क्वार्टर का एक रिपोर्ट है जो एक हमारा डेवलपर है, जैसे यू वर्क विद लॉट ऑफ डेवलपर्स, लाइक टॉप डेवलपर्स ऑफ द कंट्री, दिस इज वन मेड फॉर शाहपुर जी पलन जी। तो एक मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब भी आप कोई प्रोजेक्ट, कोई भी माइक्रो मार्केट, जो एक इंडस्ट्री डेफिनेशन है कि जो आप बोलते हैं कि अंधेरी क्या है, तो इंडस्ट्री डेफिनेशन में कोई भी दो इंडस्ट्री का जो डेफिनेशन होता है रियल एस्टेट में, उसे कहते हैं माइक्रो मार्केट या फिर कैचमेंट, जो भी आप, अगर आप वो इतना आपको डीप में जाने का जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये यहाँ पे इसके लिए बता रहा था। एक बार आपको देखना पड़ता है कि आपके लिए अंधेरी वेस्ट कितना बड़ा मार्केट है। अभी मान लीजिए अंधेरी वेस्ट में 500 बिल्डिंग्स है, और 500 बिल्डिंग्स में से 300 बिल्डिंग बन चुकी है और 200 बिल्डिंग बन रही है, एग्जाम्पल, तो ये सारा बन गया अंधेरी वेस्ट। बट शायद आपको ये सब इतना जानने का जरूरत नहीं, बिकॉज आप शायद अंधेरी वेस्ट में कोई 4 बंगलों के पास में एक सोसाइटी डेवलप करने जा रहे हो, रीडेवलप करने जा रहे हो,
तो उसका आसपास कभी अगर आपने देख लिया तो भी बहुत है, और आपके रेलेवेंट है आपने अगर देख लिया कि आपके साथ में जो रेलेवेंट है, जो आपको बताए कि अगर आपका सोसाइटी सिर्फ 25 या 30 फ्लैट ही बना देगी तो आपको 500 फ्लैट का कॉम्पिटिशन देखिए मतलब ही नहीं, बिकॉज वो अलग स्केल हो जाता है। तो एक बार आपको डिफाइन करना होता है कि भाई लोकेशन, तो एक बार लोकेशन डिफाइन हो गया तो आपको पता चल जाएगा ये लोकेशन में टोटल मेरे पास अभी इतना सप्लाई है, तो 32 लाख स्क्वायर फीट सप्लाई ऑलरेडी है। इसका मतलब क्या है, 32 लाख स्क्वायर फीट अंधेरी वेस्ट में, वो पर्टिकुलर एक बार डिफिनेशन हो गया कि आपके लिए अंधेरी वेस्ट जो है उसमें इतना हो गया कि इतने सब बिल्डिंग्स में इतना है, उसमें से 16 लाख स्क्वायर फीट जो है वो अभी बिकना बाकी है। तो आपको ये देखना है कि जब अभी 16 लाख स्क्वायर फीट अनसोल्ड है, आप वो मार्केट में उतर रहे हो तो आपको किस तरीके से उतर, बिकॉज ये तो सबको पता होगा, बिकॉज ये रिसर्च रिपोर्ट जैसे बता रहा हूँ तो ऑलमोस्ट लाइक ऑल द डेवलपर्स टेक दिस, तो उनको पता होता है कि कंपटीशन क्या है, तो आपको भी पता करना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं डर जाना, अच्छा 16 लाख स्क्वायर फीट है इसका मतलब मेरा तो नहीं बिकेगा, नो इट्स नॉट लाइक दैट। दिस इज क्योंकि उतना डिमांड असेसमेंट भी हम लोग करके बता देंगे कि इतना एब्जॉर्प्शन के लिए कैपेसिटी है तो इतना लॉन्च हो रहा है, अदरवाइज तो ये मतलब नहीं। दिस इज नंबर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द नंबर्स, ऐसा नहीं कि 16 लाख बड़ा दिखता है तो बहुत है, नॉट लाइक दैट। वो 16 लाख स्क्वायर फीट में से, सॉरी वो 32 लाख स्क्वायर फीट में टोटल 3,500 यूनिट्स है, तो इस तरीके से आपको देखना पड़ता है कि यूनिट कितना। अच्छा ये सब स्क्वायर फीट फीट बहुत हो गया, अपने को बनाना है सपोज 1 या 2 BHK या 2 या 3 BHK कॉम्बिनेशन, तो आपको ये देखना पड़ेगा इसके अंदर की कितने यूनिट्स है जो 2 BHK बना रहे हैं, या कितने प्रोजेक्ट, सॉरी 3 BHK जहाँ पे बन रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट में कितना स्क्वायर फीट बिका है और कितने यूनिट्स बिके हैं और क्या कॉन्फिगरेशन के लिए बिके, उस तरीके से ये प्रोजेक्ट का मैपिंग हो जाता है। फिर आपको ये देखना है कि भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लोकेशन में अगर आपको पता चल जाएगा कि भी 3 BHK का ज्यादा डिमांड है, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जितना लॉन्च हो रहा है उतना बिक रहा है, या फिर जितना मैक्सिमम डिमांड है वो 3 BHK का है, 1 का फिर 2 का है, आपको भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा आपका जो गोल है या प्लान है बनाने का, क्योंकि आपको अपने माइंड से नहीं डिफाइन करना है अच्छा ये बोल दिया ये बिक जाएगा, नो आपको ये सब स्टडी करना पड़ेगा कि एक्चुअली इसके हिसाब से आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या बनाना है। एक बार आपने पता चल गया कि क्या बनाना है, फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या स्क्वायर फीट बनाना है। ऐसे बहुत सारे देखा मैंने डेवलपर जो बना तो देते हैं 2 BHK 3 BHK व्हाटएवर बेसिस दिस डेफिनेशन, बट आपको एरिया उसका कारपेट ज्यादा रख देते हैं या फिर बराबर नहीं रखते जो डिमांड आता है, तो उससे पता चल जाएगा। जैसे यहाँ अगर आप 3 BHK बना रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि 1200 से 1300 अगर रेरा कारपेट आप रखोगे तो इसका डिमांड भी ज्यादा है, सप्लाई भी ज्यादा है, तो मैच हो जाएगा। हाँ अगर आप बढ़ा दोगे तो कोई डिमांड नहीं है। सेम 1 BHK में अगर आप बढ़ा दोगे एरिया तो नहीं है, ऑब्वियसली कम भी नहीं है। ऐसे नहीं कि आपको छोटा पिजन होल्स टाइप ऑफ अपार्टमेंट बिक जाएगा, अफोर्डेबल हाउसिंग नॉट गोना वर्क लाइक दैट एज वेल। तो आपको बहुत ही सोच समझ के ये प्लान को बैठाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक स्क्वायर फीट के लिए कॉस्ट है बनाना भी और एक एक स्क्वायर फीट का कॉस्ट है खरीदा का भी। इस हिसाब से आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि क्या कॉन्फिगरेशन के बीच में आपको ये आपका प्लान सैंक्शन करना है अथॉरिटीज से। उसके बाद में आपको ये देखना है कि आपका कंपटीशन, जैसे आपको बताया था मैंने कुछ मिनट पहले कि दो आपका तो 2025 में बनेगा, 24 में बनके रेडी होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले हो, बिकॉज आपके साथ में काफी और भी लोग होंगे जो डेवलप करके ये प्रोजेक्ट को OC ला देंगे, तो वो भी शायद और आगे जाके शायद ऐसा हो कि पोस्ट OC है, लेकिन OC आने के बाद में कि कस्टमर को ज्यादा अगर कॉन्फिडेंस आता है, हो सकता है कि आफ्टर OC ही सेल्स शुरू हो, यू नेवर नो। मतलब आपको सबका तैयारी रखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से प्रोजेक्ट जो OC के बाद बेचना चालू करेंगे, या फिर ऐसे कौन से जो आपको कम्पीट करना पड़ेगा तभी हर साल, तो उसका ये आपको कॉम्पिटिशन मैपिंग करना पड़ेगा। ये मैं स्किप करता हूँ। आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना स्क्वायर फीट बिक रहा है हर क्वार्टर में, जो हिस्ट्री है, बिकॉज वो भी जाना जरूरी है। फ्यूचर तो अपने को डिफाइन करना ही है, बट ये भी जानना जरूरी है कि आप जहाँ पे कदम रखने जा रहे हो वो हिस्टोरिकली कैसे पैन आउट हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको ये दिखेगा कि कितने स्क्वायर फीट या कितने यूनिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिके हैं, या फिर क्या उनका जो ग्राफ है वो पता चलेगा प्रोजेक्ट वाइज। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन से टेबल में आप फिट हो सकते हो। टिकट साइज जो बोलते हैं यहाँ पे हमारे इंडस्ट्री में, इट्स लाइक द टोटल लैंडिंग कॉस्ट ऑफ द फ्लैट, मतलब जो आपका एक्चुअली एंड ऑफ द डे कस्टमर को जो देना है पैसे जो फ्लैट के लिए, वो उसको कितना देना पड़ेगा, वो उसका ये एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि एक्स करोड़ से वाई करोड़ के बीच में कैसे डिमांड है। तो आपको यहाँ दिखेगा बहुत सारे कलर कोडेड ग्राफ्स है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन से, जैसे समझो 2023 क्वार्टर में यू हैव गॉट 3 से 4 करोड़ का जो है वो काफी बिक का है, तो हिस्टोरिकली आप देखो ये बढ़ गया,
फिर पीक हुआ 2000 पे, बाद में स्लाइड आया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरफ से वो पर्टिकुलर टिकट साइज पे हो। ये थोड़ा डबल यू नो दो डेफिनेशन एक स्लाइड में है, या टिकट वाइज सेग्रीगेशन और टिकट वाइज आपका डिमांड और उसका ग्राफ की जिस हिसाब से उसका बिका है और हर टिकट वाइज का एक स्टैकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, एंड ऑफ द डे आपको क्या रेट पे बेचना है और रादर क्या रेट पे आपका वो खरीदार मानेगा। तो ये सारे जो डेवलपर्स है ये लोगों को ये स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट हाथ में मिलता है, वॉट एवर रेट 25,000 20,000 जो भी रेट्स है, ये इनको पर स्क्वायर फीट रेड कार्पेट हाथ में मिलता है। दिस इज एक्चुअल रजिस्ट्रेशन, मतलब ये सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, हर एक कस्टमर का हमारे पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है कि उसने कब खरीदा, किससे खरीदा, कौन सा यूनिट खरीदा, सब कुछ है। मैं उसका भी आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ अभी, उससे रेट निकलता है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से। इट्स नॉट लाइक कि वो क्या कोट कर रहे हैं कि ऐसा आप बोल दिया कि अरे वो बोलने के लिए 4 करोड़ बोलता है बट 3 करोड़ में छोड़ देता है, विच वी आर लाइक जनरल टर्म्स वेन वी टॉक। ये वो है कि जिसमें एक्चुअली छोड़ देता है कि जो प्राइस एंड ऑफ द डे मिलेगा आपको, क्योंकि ये रियलिस्टिक से काफी क्लोज रहना है। इस तरीके से अभी सब लोग प्लान भी कर रहे हैं कि आपको बताना कुछ है और बोलना कुछ है और बेचना कुछ है, ऐसा नहीं होगा। पीपल विल ऑल्सो बी स्मार्ट इनफ, कस्टमर विल बी स्मार्ट इनफ कि क्या मिलेगा। प्राइसिंग काफी इंपॉर्टेंट है अभी। ये इस तरीके से आपको ये सारा, इसमें आपके जो 2-3 जो 5 P's जो हार्दिक जी बता रहे थे उसमें से मैंने ही बताया था आपको, प्रोडक्ट प्राइस परफॉर्मेंस ये सब पता चल जाएगा आपको। अब प्लेस और पीपल के लिए आपको मैं एक और एक इंटरेस्टिंग स्लाइड दिखाता हूँ। अभी मान लीजिए अंदर ही वेस्ट आपका चूज हो गया, तो अभी आपको कस्टमर कहां से मिलेंगे और किस तरीके से कस्टमर आपको ढूंढने, इसके पहले है अभिषेक आपने बिफोर दैट, उस बिफोर दैट या बिफोर द क्वेश्चन आंसर्स देयर इज द ओके बायर प्रोफाइल वाला जो है आपको पहले हियर। हां या दैट्स इट। तो ये है जैसे अपने ये, इसमें आपको पता चल जाएगा कि अभी रियल एस्टेट जो ऐसा चीज है जो दुनिया भर में कोई भी आके खरीद सकता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि एक NRI है वो भी शायद अंदरी वेस्ट में ले सकता है, आपका लोकल जो अंदरी वेस्ट में तो लेगा ही लेगा, सेल्फ में तो ऐसी है कि आपका लोकल मार्केट विल बी 75% or 60%, वो भी अपने को मैच देखना पड़ेगा क्या है, बिकॉज पीपल आर एक्वाइंटेड कि आपका अंदरी वेस्ट उनको पता होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो मुंबई के बाहर है महाराष्ट्र के बाहर से भी वो ले सकता है। तो उसका एक एनालिसिस है कि हमने अगर देखा कि कितने NRIs है जो अंदरी वेस्ट में ले चुके हैं, ले सकते हैं, उनका एक पूरा हिस्ट्री निकाला और देखा कि ये ट्रेंड्स है, कौन से कंट्री से NRIs आते हैं, अच्छा कौन से स्टेट से इंडिया में आते हैं, कौन से स्टेट से आने के बाद में आपको पता चल जाएगा, और गुजरात से अगर आते हैं तो कहाँ से आते, कितने आते। तो आपको ये सब रिलेशनशिप मेंटेन करना है कि भाई फॉरेन बायर्स भी है उनको भी आपको देखना, आपका आपका जो एजेंसी रहेगा यू हैव टू चूज वेल की जिसमें कनेक्टिविटी हो उनका, उनका वहां तक जो उनके जो नेटवर्क है वहां तक फैले हो कि जो फॉरेन लोगों NRIs को भी या आउट ऑफ महाराष्ट्र के लोगों को भी ये आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताए। फिर आपको देखना पड़ेगा कि मुंबई जो ऑब्वियसली मेन रहेगा अपना कि मुंबई में बन रहा है तो 90% 80% मुंबई से आएंगे, उसमें कहां से लोग आएंगे। तो अगर जब भी मार्केटिंग प्लान अगर आप जाओगे 15 मिनट पहले जो बताया था, जब मार्केटिंग प्लान बन रहा है ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपको अंदरी वेस्ट में मान लीजिए बनाना है तो इसका मतलब आपको अगर ₹1,00,000 आपको स्पेंड करने के लिए तो आपको किस तरीके से स्पेंड करना है। आपको पार्ला में जू में यू कैन डू एड, बट आपको प्रभादेवी में मलाबारी में आप मत खर्चा कीजिए। यही सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाता है कि आप कर रहे हो कुछ प्रोजेक्ट और मार्केटिंग में स्पेंड किए जा रहे हो, बाकी डेवलपर के पास कैपेसिटी बिकॉज उनको ब्रांड बिल्ड करना है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड द डेवलपर्स बिकॉज दे हैव टू डू दिस बिकॉज उनको ब्रांड विजिट, क्योंकि उनको इट्स लाइक अ फैक्ट्री फॉर देम। आपका फैक्ट्री इज ओनली शॉर्ट लिव्ड, आपको 2-3 साल तक का ही काम है, तो आपको बहुत ही सोच समझ के ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा एक एक जो आपको फंड मिलेगा। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि भाई मलाबार हिमले मतलब ही नहीं है डाल के, क्योंकि वहां डिमांड ही नहीं आएगा, तो व्हाई टू वेस्ट मनी, नो यूज। देन आपको देखना पड़ेगा कि भाई ओके अंधेरी तो है आपका, तो अंधेरी में तो करना ही करना है नो डाउट, बट बियॉन्ड बोरीवली कुछ है अंधेरी वेस्ट में जो ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, तो कितने हैं, हालांकि कम है बट मीरा रोड में करना चाहिए अगर करना ही है, उस तरीके से नवी मुंबई कर सकते हैं। तो ये आपको पूरा बता देगा कि ज्योग्राफी के लिए आपको किस तरीके से टारगेट करना और ऑप्टिमाइज करना आपका जो फंड्स है फॉर मार्केटिंग। देन आपको ये देखना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि एज ग्रुप क्या है। अभी काफी मिलेनियल्स है जो प्रेफर करते हैं कि
घर रेंट पे लेना चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए, खरीदना चाहिए तो क्यों? तो ये एज ग्रुप जो है वो इससे पता चलेगा कि पिछले इतने सालों में, हालांकि भी चेंज हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि एक टाइम बना दिया हो गया, एटलीस्ट आपको हाफ ऑफ योर 50% ऑफ इन्वेंटरी जब बिक जाएगा एक बार और एक बार रीअसेस करना है कि अभी कोई ट्रेंड्स चेंज हुए कि, क्योंकि इतना जल्दी ट्रेंड हो गया नहीं चेंज, बट फिर भी यू हैव टू डू रीअसेस ऑफ लास्ट, शायद हो सकता है कि पोस्ट कोरोना ट्रेंड्स कैन कीप ऑन चेंजिंग लाइक इन नो टाइम, मतलब जो सोचा नहीं हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा एज है, तो एज ग्रुप वाला कस्टमर है वो आपके इधर आके ले सकता है, और उसी को टारगेट आपको डिजिटल मार्केटिंग में आपका एजेंसी करना चाहिए। तो ये कुछ आपको मैंने स्लाइड्स दिखा है जिसमें शायद यू बी सीइंग फॉर दिस फर्स्ट टाइम। प्रोफेशनली ये सब काम ऐसे होता है कि वेर इन यू हैव टू चेक आउट ऑल दिस बायर प्रोफाइल एंड माइक्रो मार्केट प्रोफाइल बिफोर यू डिसाइड कि आपको किस तरीके से प्लानिंग करना है और लॉन्च करना है और आगे कैसा उसको पैन आउट करना है प्रोजेक्ट को। Like if you have any questions on this or kuch agar slide kuch samjhana hai kisi ko ya kaisa hai to I'm, let me know. Okay sir. So I'll take questions. Meko bahut sare questions aa rahe hai regarding this. Before that I would just like to introduce Tufcons. Ek chota introduction hai, quick introduction regarding Tufcons. Jo main hamesha hi deti hu aapko ki we are currently doing 15 self-free development projects. Hamara Mumbai Bank ke sath hum empaneled bhi hai and unke core committee bhi पे भी है जहाँ पे हम सेल्फ फ्री डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लेके जाते हैं एज अ प्रपोजल। मुंबई बैंक के पास जो सेल्फ फ्री डेवलपमेंट प्रपोजल्स आते हैं वो इवैल्यूएशन के लिए हमारे पास आते हैं एंड वी आल्सो प्रोवाइड द बैंक रिकमेंडेशंस ऑन देयर लोन पॉलिसी। हमने ब्रिज गैप फंडिंग प्रोवाइड किया है हमारे टू ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स के लिए सक्सेसफुली एंड वी प्रोवाइड सर्विसेज एज वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कि हमको आपको अपॉइंट करना है जहाँ, तो फिर आपका एक ही कॉन्टैक्ट से सारे आपके जो भी सर्विसेज है सेल्फ फ्री डेवलपमेंट में वो कवर हो जाते हैं। अगेन आई एम आस्किंग यू टू पुट योर क्वेश्चंस। हमारा बुक जिसके बारे में मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ रिगार्डिंग सेल्फ फ्री डेवलपमेंट, तो अगर आपको इसे बुक करना है देन प्लीज राइट बुक यस एंड मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं ऑन दिस नंबर 9869577533। नेक्स्ट वेबिनार, अपकमिंग वेबिनार इज ऑन डेवलपमेंट मैनेजर, कैसे डेवलपमेंट मैनेजर का रोल क्या है कि सेल्फ फ्री डेवलपमेंट में वो कैसे रोल प्ले करता है एंड स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, हाउ टू स्टार्ट द स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स। एंड आज का अभी हमारा जो क्वेश्चन आंसर सेशन है इट विल स्टार्ट। हमारे पैनल पे है हमारे ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर जयन गायतुंडे, मिस्टर नयन डेडिया, आर्किटेक्ट उदय कनाडिया, अभिषेक ऑब्वियसली, माई सेल्फ हार्दिक मामणिया जी एंड सेनिल शाह। सेनिल शाह इज ऑल्सो वो भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सेल्स एंड मार्केटिंग में ही काम कर चुके हैं एंड उनका जो वर्क है दैट इज मोर इन कनेक्शन विद द बायर, मतलब बायर का क्या सेंटिमेंट होता है एंड वो किस तरीके से वो काम करते हैं आगे जाके, तो हाउ इट हेल्प्स देम इन यू नो गेटिंग द सेल्स एग्जीक्यूटेड, तो ये सारी चीजें हैं। तो हमारा आज का पैनल है, तो मैं पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब अपने कैमरा स्टार्ट कीजिए तो everyone will be able to also Sanjay bhai ko bhi bolenge also Sanjay, yes sorry for missing out, Sanjay bhai bhi hai, CA Sanjay Shah, Be Right Group founder. Okay, so mera first question hai Nayan sir aapse, yes, ki hum bahut aajkal padhte hai newspapers mein, chalo abhi corona mein to log newspaper manga nahi rahe, kam ja raha hai, par jahan pe bhi bahut dinon se aise headlines aa rahe the ki बहुत सारे फ्लैट्स है, देयर इज अ लॉट ऑफ अनसोल्ड इन्वेंटरी जो नहीं बिक रहा है एंड लाखों स्क्वायर फीट है जो नहीं बिके जा रहे हैं, तो ये क्यों है, ये क्या सिनेरियो है एंड फिर अगर सिनेरियो ऐसा है तो हम लोग सेल्स कैसे करेंगे इन सेल्फ डेवलपमेंट। इसमें आई वांट मेरे को एक मेन जो बात बतानी है कि ये जो बेसिकली कोई भी जगह पे सेल होना या ना होना, ये पहले एक डिसीजन, मतलब कि एक ओवरऑल व्यू देखना कि ओवरऑल एमएमआर रीजन में देखना एंड सिर्फ मुंबई में देखना, मुंबई मतलब फ्रॉम अगर हम यहाँ पे पकड़े तो दहिसर तक हो या मुलुंड तक हो या मानखुर्द तक हो, तो वो रीजन में अगर देखा जाए तो इन विच पॉकेट सेल नहीं हो रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसे कोई भी एक बिल्डिंग है जहाँ पे सब पूरी बिल्डिंग बन चुकी है एंड फ्लैट्स नहीं बिके हैं, तो ये एक सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि लोगों को समझना चाहिए कि जो ये एमएमआर रीजन है या पूरे भारत भर का रीजन है वहाँ पे एक अलग इशू है। दूसरा सेकंड सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो अभी इवन अभिषेक एट सोन दैट मार्केट रिसर्च एंड उसमें मार्केट रिसर्च में देखिए तो बहुत से डेवलपर्स का 70-80%
माल बिक चुका है, विच आर ऑलरेडी टू बी अभी पोजिशन देने वाले हैं, 20 में देने वाले हैं या 19 में देने वाले हो, ये जो रिसर्च था इट इज ऑन द बेस ऑफ 2019 दिसंबर, सो 19 में या 20 में पोजिशन देने वाले थे, शायद डिले हो गया होगा 6-8 महीना जो भी होगा किसी का भी कोई भी रीजन की वजह से, तो दिस वेर द ऑल विच इज नॉट येट प्रोड्यूस्ड। मतलब आप मार्केट में आते हो तो आपके पास मोबाइल आ जाता है, उसके बाद आप उसको परचेस करते हो, बट ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऐसा देखा जाता है कि ये माल अभी ऑलरेडी बनने वाले हैं, आगे जाके बनने वाले हैं, वो नहीं सेल हो रहे, सो इट इज नॉट लाइक दैट एग्जैक्टली। कि अगर आपका माल बन चुका है, आपके पास पूरा हो चुका है, देन एवरीथिंग वी कैन से फ्रॉम द जो भी जितना भी जो माल बना हुआ है ये सब अभी बिक रहा है, सो दैट इज नॉट अ बिग क्वेश्चन बेसिकली, तो ये पहले समझना होगा। एंड थर्डली, अगर आपके पास सेल नहीं है, इट इज अगेन हम लोग ये बताना चाह रहे हैं, वी आर नॉट फोर्सिंग एनीबडी, वी आर जस्ट गिविंग, ये हमारा जो सेमिनार है उसमें हम एक ऑप्शन दे रहे हैं आपको कि अगर आपका बिल्डिंग डिलैपिडेड है, नंबर वन आप सोच लीजिए, पहले आपका बिल्डिंग डिलैपिडेड है तो आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो आप उसको बिल्डिंग को रिपेयर करिए, रिपेयर नहीं करेंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी और आप और किधर रहने जाइए, और वो आपको प्रॉपर्टी अपनी रखनी है वापस, तो आपके पास वापस दो ऑप्शन है, तो यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर टू चूज अ डेवलपर और टू गो विद अ सेल्फ डेवलपमेंट। तो आप सेल्फ लोन में जा रहे हैं तो आपको बेसिकली जो माल बेचना है वो क्या प्राइस पे बिकेगा, तो ये मार्केट स्ट्रेटजी आप जब तक नहीं कर पाएंगे एंड वो जब तक नहीं होगा, तो इवन ये आपके कंसल्टेंट, मतलब हम कंसल्टेंट हैं और भी बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, गुड कंसल्टेंट्स, वो लोग पूरा ये रिसर्च करते हैं एंड देन ओनली आपको जाना है। मतलब आपको ये मत समझिए कि आपको, मतलब आपका प्रोजेक्ट है और मुंबई बैंक आपको मतलब लोन दे देगी, ये आप कतई मत सोचिए। अगर आपका आपके प्रोजेक्ट में आपका लॉस है या आपका कुछ भी नुकसान हो रहा है तो आपके प्रोजेक्ट में ना हम आपको गाइड करेंगे ना मुंबई आपको उसमें, मुंबई बैंक उसमें लोन देगी। तो आप जो भी आपको सोचना है कि आपका सेल्स नहीं होने वाला है, दिस इज आपको फिर दूसरे सोल्यूशन ढूंढने होंगे, बट दिस इज नॉट अ सोल्यूशन कि आपका सेल 100% होगा ही, या होगा तो 100% होगा बट किस रेट पे होगा, या कौन सा आप प्रोडक्ट लेके जा रहे हो मार्केट में, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो दिस इज द वन कि आपका 100% बिकेगा माल, बट यू हैव टू बी प्रॉपर, आपका स्टडी होना चाहिए, जैसे अभिषेक ऑल्सो टोल्ड कि आप एग्जाम में जाते हो तो आपको पढ़ के जाना है, हर चीज आपको पढ़ के जाना है, तो ये आपको पहले मार्केट रिसर्च नहीं करोगे आप, और ये मार्केट रिसर्च आपको फ्री में नहीं मिलता। एंड दिस इज वन मोर थिंग मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इवन टफकॉन्स स्वनिर्माण ये पहली कंपनी है जो ये रिसर्च बेस्ड आपको बना के इसके ऊपर हमारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनता है। सो व्हेन वी पुट अप अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट विच इज ऑन अ रिसर्च बेस्ड एंड पूरा स्टडी किया हुआ रहता है एंड किस बेसिस पे, और उसमें सब सिर्फ ये नहीं होता कि सेल, मतलब आपने आज बिल्डिंग तोड़ा और आपका सेल चालू होता है, इट इज अ प्रोसेस, आपका बिल्डिंग बनते रहेगा। अपने पास 30-40 फ्लैट होते हैं, 30-40 फ्लैट आपको 2 साल में अगले बेचने हैं, तो 24 में तो आपको एक एक साल, अभी हार्दिक भाई ने भी कहा आपको कि जैसे कि कोऑपरेटिव, तो अमूल इज अ कोऑपरेटिव, सेम सोसाइटीज आर ऑल्सो कोऑपरेटिव, तो ये जो कोऑपरेटिव अगर सेक्टर साथ में आएंगे तो देन देयर इज बी 100% श्योर है कि आप अगर इसमें फोर्स लगाओगे, 100% अपना फोर्स लगाओगे तो यू विल गेट योर बायर फॉर योर सेल प्रोडक्ट। सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि आपका सेल्स नहीं होगा, एंड देयर इज नो नथिंग सेकेंड डाउट भी है ऐसा कि इसमें नहीं होने वाला है। सेल्स इधर बॉम्बे में है बिकॉज ऑलरेडी लास्ट टाइम अभिषेक ऑल्सो टोल्ड कि यहाँ पे ऑलरेडी सेल तो हो चुका है, आपकी बिल्डिंग में ऑलरेडी सेल हो चुका है, so there is no point कि आपका सेल नहीं होने वाला, मतलब वो जगह पे ऑलरेडी सेल हो रहा है, so this is the point, so I want to say that one, yes, no but yes, thank you, next question मुझे अभिषेक को पूछना है, ऐसे actually comments में भी आया हुआ है कि how do you, मतलब अगर हमारा market research and marketing में अगर we have to do so much detailing, तो अगर project छोटा है जहाँ पे जो sale flats सिर्फ 10 या 20 ही flats है और मैक्सिमम माइट बी 30 फ्लैट्स, प्रोजेक्ट साइज स्मॉल है, सेल में जो फ्लैट्स निकलेंगे वो कम है, तो वहां पे भी हमको इतना डिटेल्ड मार्केटिंग और डिटेल्ड स्टडी करके ही आगे बढ़ना है, या कैन, और इज इट गोइंग टू बी अ इजी लाइक अ पीस ऑफ केक, केक वॉक होगा क्या हमारे लिए, वो वैसे मतलब जानना चाहते हैं लोग कि क्या वो डिफर करेगा डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का जो क्वांटम जो छोटा बड़ा है तो वो किस पर निर्भर करता है,
कि अगर एक सोसाइटी, जैसे आपने बोला कि 20 फ्लैट है, 25 फ्लैट है, 30 फ्लैट है, शायद वो इंडस्ट्री टर्म्स के लिए छोटा है, बट वो सोसाइटी के लिए तो काफी बड़ा है, बिकॉज दे आर डूइंग ओनली फॉर द वन एंड फाइनल टाइम. उनको बार बार नहीं करना है, तो उनको एक ही बार करना है, और वो शायद अच्छे से करना चाहेंगे. तो मेरा तो मानना ही है कि आपका छोटा हो या बड़ा हो, मैंने तो अभी दिखाया जो काफी बड़े डेवलपर्स का है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, वो उसी में आपका भी आ जाएगा. तो इट्स लाइक सिंपल. तो आपको मेरे से सबके लिए करना चाहिए, बिकॉज इसमें इट्स लाइक इट्स अ रिसर्च जॉब, इट्स नॉट आपको फिजिकल इसमें कुछ आपको जाके, देयर आर एजेंसी इट्स लाइक ऑब्वियसली इट्स पेड, बट करना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए काफी बड़ा है, इंडस्ट्री के लिए भले बड़ा ना हो. दैट्स माय आंसर टू योर क्वेश्चन. ओके, वन मोर क्वेश्चन. बहुत रेपिटेटिवली ये पूछा गया है, एंड ये एक से नहीं दो तीन लोगों से आया है, कि इज दिस द राइट टाइम टू गो फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट कंसिडरिंग जो सेल्स का सिनारियो है, एंड जो हम कोविड 19 लॉकडाउन ओपन होने के बाद जो एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, कि आर वी, इज दिस द राइट टाइम? अभी नूपुर, आई थिंक आई कैन सी द स्माइल्स ऑन द फेसेस ऑफ अदर पैनलिस्ट. अभी इसका आंसर मैं क्या दूं अभी, मतलब इसमें इफ आई से नो देन इट्स अ प्रॉब्लम, इफ आई से यस देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? सो टाइमिंग इज नेवर राइट, मतलब नोबडी इन द वर्ल्ड हैज टाइम राइट. जिसने टाइम बराबर किया, आई थिंक ही इज अ किंग. एवरी टाइम इज द राइट टाइम. अगर आपको लग रहा है, जैसे अभी नयन भाई ने भी बोला था कि आपका बिल्डिंग का, वो बिल्डिंग का टाइम आ गया है, तो आपका तो टाइम, मतलब फिर देन यू हैव टू गिव द टाइम टू योर ओन बिल्डिंग. सो बिकॉज बिल्डिंग इज यू नो डिमांडिंग द टाइम फ्रॉम यू, कि भाई इट्स इन अ डिलैपिडेटेड स्टेट, इससे ज्यादा शायद वो सेंड नहीं कर पाएगा. तो आप माइक्रो सिनेरियोस के देखेंगे कि भाई, या फिर माइक्रो, क्योंकि आपका दो साल भी अगला बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको शायद वो इतना वीक हो गया स्ट्रक्चर, इट विल नॉट स्टैंड फॉर टू इयर्स. तो वो टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन ये टाइम कि भाई अभी क्या चल रहा है, बिकॉज एंड ऑफ द डे दैट टाइमिंग इज लाइक विच विल डिफाइन योर ओन गोल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट. दैट्स व्हाट माय टेक इज, एवरी टाइम इज द राइट टाइम. Yes, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा इसमें कि बेसिकली कि राइट टाइम तो क्या है कि व्हेन वी सी कि अभी हम महाभारत भी देख रहे हैं, तो ये महाभारत भी किस चीज के लिए हुआ है? लैंड के लिए बेसिकली. तो ये लैंड एंड जगह, ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड प्रॉपर्टी, ये तो सब जमाने से चला आ रहा है, एंड इट विल इट अप्स एंड डाउन आते रहेंगे. दिस विल बी द टाइम कि अप्स एंड डाउन आते रहेंगे ये मार्केट में, बट देर विल बी डिमांड एंड एवरीथिंग, देर विल बी डिमांड ऑल्सो, एंड उसके हिसाब से सप्लाई भी. बट वेन कि आपको सप्लाई भी जस्ट थोड़ा अप डाउन होते रहता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका जो माल है वो प्रॉपरली टाइम पे बिक जा रहे. तो उसके लिए आपको रिसर्च करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो सेल्फ डेवलपमेंट आपका फर्स्ट गोल होना चाहिए, कि आपका सेल्फ डेवलपमेंट जरूरत है, पहले जरूरत है, एंड आपको गोल कंप्लीट करना है, वरना आपको अगेन एज सेड कि you have to stay somewhere else and you will have to shell out the money for rent also. आपको भाड़े से भी आपका घर लेना पड़ेगा. तो you have to choose between कि आपको sale नहीं करना है. आप building अगर आपकी पुरानी हो चुकी है, आपकी building गिर रही है, तो आप उसको टूट रही है तो तोड़ लीजिए. अगर if it is otherwise other options are there, आप other options you can opt anyway, but this is the situation, market situation है. And if you do it properly, process से करें, हम वही बोल रहे हैं आपको, process से करिए आप, तो everything will be successful. That is what it is. तो ऐसा है कि अगर इफ माइट बी टुडे सिनारियो, ओके यू कैन नॉट टॉक ऑन, एंड जैसे अभिषेक ने बोला कि एनी टाइम इज अ राइट टाइम, तो क्या सोसाइटीज को वेट करना चाहिए फॉर सम मोर टाइम, कि वो थोड़ा रुकेंगे एंड देखेंगे कि माइट बी मार्केट कंडीशन चेंज हो जाए और रेट्स आपको अच्छे फेस्ट हो, एंड फिर उसके बाद ही वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जाए? क्या उनको रुकना चाहिए सोसाइटीज को? अगेन थिंग इज दैट कि बिल्डिंग अगर कि मुझे रिडेवलप करो, तो दे हैव टू गो फॉर रिडेवलपमेंट. तो रिडेवलपमेंट में क्या ऑप्शंस हैं, तो उसके हिसाब से उनको जाना पड़ेगा. एंड ऑप्शन वही है कि अगर माल, अगर समझो कि किसी का डिमांड, आप अगर ये समझ के चलो कि मुझे ज्यादा एरिया मिले एंड फिर मैं करूं, तो फिजिबिलिटी बनाने के टाइम पे हम ये भी कंसिडर करते हैं कि देर इज क्वेश्चन, लॉट ऑफ क्वेश्चन इन टू इट, कि अगर आपका मार्केट रेट वहां पे 25,000 है, तो हम 20,000 से या उससे कम में ही आपका ब्रेक इवन आएगा. हम जो कंसिडर करेंगे रेट, वो भी 10-15% कम करेंगे, उसके बाद में भी आपके पास बफर रहेगा. तो जो 25,000 में जहां पे अगर सेल रेट है, तो आपका ब्रेक इवन, मतलब आपके घर में माल जितना बढ़ा जाएगा, उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा एरिया दिया जाएगा, वो जो एरिया का जो डिफरेंस होगा, वो अप्रोक्सीमेटली 30-35% आपका कम पकड़ा जाएगा. मतलब आपके जो 25,000 में जहां पे आज मार्केट रेट है, तो वहां पे 17-17,500 में आपको अगर ब्रेक इवन आता होगा. ब्रेक इवन मतलब आपके जो घर में हो रहा है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करके, हाँ, जो आपको मेंबर्स को मिलेगा वो 17-17,500 तक होगा, तो ही आपका हम मतलब ये फिजिबिलिटी को इट्स ओके और इसका करेंगे, एंड मार्केट रिसर्च के बाद में
में भी, तो दैट इज वेरी मच कि आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन है एंड यही जो आज का जो सिचुएशन है कि आज सेल कहाँ पे नहीं हो रहा है, जहां पे रेट बहुत हाई हो चुके हैं, जहां पे सेल अभी रेट कम है जो मार्केट रेट के हिसाब से, देन द सेल्स आर ऑल्सो हैपनिंग देयर. ऐसा नहीं कि सेल्स नहीं हो रहे, एंड इट इज नॉट लाइक दैट कि सेल्स ज्यादा बूम हो रहा है ऐसा कि इमीडिएटली आपने अभी चालू किया, भूमि पूजन किया और आपका बिकेगा. इट इज अ टाइम फेज, यू हैव टू गिव द टाइम. आपको इसको पूरा प्रॉपरली मार्केट करना पड़ेगा, प्रॉपरली प्रोडक्ट, प्रॉपर प्रोडक्ट देना पड़ेगा, प्रॉपर प्राइसिंग रखना पड़ेगा. सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू प्राइस. प्राइस से रिलेटेड अगर कुछ भी चीज है तो इट विल बी, और इसका बेस्ट एग्जांपल है कि माड़ा जितनी बार भी लॉटरी लेके आती है वो एक फ्लैट के ऊपर 10-10 हजार के फ्लैट्स एक बार बायर होते हैं, 10-10 हजार बायर्स. क्यों? द रीजन इज कि उनका प्राइसिंग है दैट इज वेरी लोअर प्राइसिंग. सो यू हैव टू टेक दिस एग्जांपल इफ यू वांट टू कम्पीट. अगर आपके पास भी 10-10 हजार बायर खड़े हो, आपके पास भी लॉटरी सिस्टम करना हो, देन यू हैव टू बी वेरी रीजनेबल प्राइसिंग. आपको सेल करना है तो रीजनेबल प्राइसिंग के लिए आपको प्रॉपर मार्केट रिसर्च करके आपको उसका प्रॉपर प्रोडक्ट आपके पास लोगों के पास पहुंचाना. सर आपने प्राइसिंग का बात किया तो इस पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइसिंग डिसाइड कौन करेगा? ओके, माइट बी फीजिबिलिटी के टाइम पे आप मार्केट रिसर्च से करोगे, पर जब एक्चुअली सेल्स एग्जीक्यूट करना है तो क्या हाईएस्ट रेट लेना है, क्या लो रेट लेना है, इनिशियली कितने पे बुकिंग ओपन करना है, तो ये सब चीजें कौन डिसाइड करेगा? और अगर ये सेल्फ डेवलपमेंट है तो क्या हर एक लेवल पे सोसाइटी मेंबर्स का परमिशन लेना जरूरी है कि एवरी टाइम यू एग्जीक्यूट अ सेल जो रेट पे आपका फिक्स होता है वो हर एक चीज का अप्रूवल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है, या ये किस तरीके से पूरा प्रोसेस कर सकते हैं? यस, इसमें जो भी सेल्स रेट्स है वो भी डिफर करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम बीइंग. आप क्या क्या स्टेज पे आप डिलीवर करने वाले हो और आज क्या रेट पे बुकिंग ले रहे हो, तो वो डिस्काउंटिंग करके आपको रेट देने पड़ेंगे. एंड वो जो डिस्काउंटिंग रेट में जो मिनिमम रेट होता है वो आपको सोसाइटी को, एज अ सोसाइटी जब एसजीएम पास करती है, एवरी ऑल लैंडमार्क डिसीजन आपको जो भी लेने हैं सोसाइटी आपके एसजीएम में पास करती है. इट इज लाइक अ बोर्ड. आपके कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी है विच आर बिग ह्यूज कंपनीज, जैसे कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, वो कैसे डिसीजन लेती हैं कि वो कोई रोज डे टू डे एक्टिविटीज में, ग्राउंड रियलिटीज में नहीं जाते हैं, बट दे टेक देयर एक्टिविटीज इन देयर बोर्ड मीटिंग. तो आपका भी ये एक बोर्ड एसजीएम है, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग आपका जो होता है, वहां पे आपको एक डिसीजन लेना है कि आपका समझो कि वहां पे रेट है 18,000 से नीचे नहीं बेचना है, 18-19,000-20,000. देन योर सोसाइटी अगर 25,000 का रेट चल रहा है, आपने 18,000 से किया बिकॉज आपका फिजिबिलिटी में 18,000 है, हमने फिजिबिलिटी में भी वो लिया है, तो यू आर नॉट एबल टू सेल एट बिलो देन 18,000. तो 18,000 से आप अगर बेचना चालू करोगे देन इट इज वेरी इजियर. आपको कोई बार बार आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड योर सिस्टम इज डिसाइडेड. आपको सिस्टम करना है. आपको यही बात हम वापस बता रहे हैं, आप सिस्टम फॉलो करिए, प्रोसेस फॉलो करिए. प्रोसेस फॉलो करने पर आपका कोई भी चीज, देर विल बी नो हिंड्रेंस. जितना इतना अमूल जैसा कॉपरेटिव इतना बड़ा सेक्टर चल रहा है ये सिस्टम से, सो योर स्मॉल सोसाइटी इज नथिंग लाइक दैट. कोई उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. तो एवरी डिसीजन हैज टू बी टेकन इन स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग, दैट इज द. अभिषेक सर, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आई हैव गॉट इट ऑन व्हाट्सएप मेंबर. तो उन्होंने ये पूछा है कि सिंस जो डिसीजन मेकिंग होता है कि किस तरीके का फ्लैट बनाना है, किस तरीके का प्राइसिंग रखना है, तो ये सब फीजिबिलिटी स्टेज और डिजाइन स्टेज पे वी हैव टू डिसाइड. तो सेल्स एंड मार्केटिंग एजेंसी जो है, आर वी सपोज टू अपॉइंट देम फ्रॉम द इंसेप्शन इटसेल्फ, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम लोग अभी सिर्फ प्रोजेक्ट का वर्किंग कर रहे हैं या फीजिबिलिटी वर्किंग कर रहे हैं? So is the marketing team supposed to be appointed from that point itself? Well, it's a good question. In fact, yes, बहुत जरूरी होता है because जब आपको जो जो चीज को जो बेचने वाला है, जो एक कंपनी है, जो एजेंसी जो भी है, उसको ही पता ही नहीं है कि क्या बेचना है और आपने उसको कुछ दूसरा दे दिया, तो शायद वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा. तो जितना उसका इनपुट्स है वो अगर लेके आया, या तो फिर नॉट इवन इनपुट्स, अगर उसको साथ में लेके डेवलप किया, तो एक कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग से रहता है कि बिकॉज उसका भी मन जैसा उसमें इनपुट गया है, तो एक ओनरशिप आता है इंटरनली उसको, और उसका भी एक फीडबैक लूप कंप्लीट होता है कि हाँ मैंने ही बोला था इनको बताने के लिए ये बनाना चाहिए क्योंकि बिक जाएगा, तो एक ओनरशिप आ जाता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, कि दे हैव टू बी इन्वॉल्व सिंस द इंसेप्शन. जितना जल्दी आप इन्वॉल्व करो उतना ज्यादा अच्छा. ओके सर. सर ऑल्सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू ओनली कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में हमको जो पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालना है वो सेल से ही निकालना है, तो कैन वी अचीव 100% सेल्स जो भी मार्केट सिनेरियो रहेगा, जो भी मार्केट कंडीशन रहेगा, विद द सपोर्ट ऑफ मार्केट रिसर्च या मार्केटिंग टीम, हम लोग क्या वो पूरे जो भी हमारे सेल फ्लैट्स है जो हमने पहले से एंटिसिपेट किया है, क्या हम वो पूरे सेल कर पाएंगे? कैन वी अचीव 100% सेल टू टेक केयर ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट?
Well, I'll answer your question in two parts. One is that ki पहला आंसर तो yes है, बिल्कुल कर पाएंगे. दूसरा आंसर ये है कि जिस हिसाब से सोचा था उसी से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, nobody knows. जैसे अभी आप एग्जांपल देख रहे हो कि सबका किया धरा है सब पानी में गया फ्रॉम लास्ट टू मंथ्स बिकॉज ऑफ कोरोना, नोबडी हैज एंटीसिपेटेड. तो हो सकता है कि ऐसे कुछ चीजें आ जाए जो आपने सोचा नहीं था. हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होगा. तो यू हैव टू, जितना आप सॉलिड आपका रिसर्च रहेगा, जितना आपका यू नो सॉलिड आपका होमवर्क रहेगा, उतना आप शायद अच्छे से परफॉर्म करोगे. एज सिंपल एज दैट. तो आपको स्टार्टिंग से वो डिफाइन करना है कि आपको कितना एफर्ट लगाना है और कितने टाइम में किस तरीके से बेचना है, कंसिडरिंग ऑल वर्स्ट के सिनेरियोस. बेस्ट तो है सबको, अच्छा तो अच्छा लगता है प्रॉफिट, बट वर्स्ट ऑल्सो हैज टू बी डिफाइंड. तो दोनों अगर बेस्ट केस वर्स्ट केस डिफाइन करके अगर आप करोगे तो 100% बिल्कुल अचीव, नो डाउट. ओके सर, थैंक यू. एक अभिषेक, आई वांट टू ऐड इनटू दैट कि समझो कि ये जो भी इंक्लूड करना है, तो इज इट राइट कि ये पूरा जैसे कि होल प्रॉपर सिस्टमेटिक रिसर्च वे से एंड एक एजेंसी को अपॉइंट करके ये काम करना चाहिए, या लोकल ब्रोकर से भी हो जाएगा काम ऐसा? सी, लोकल ब्रोकर्स आर नॉट मैरिड टू यू ना, बिकॉज वो तो सबके लिए काम कर रहे हैं. वो तो एक आपका पार्ट है कि जो आपके लिए उनके लिए 10 और जगह काम करेंगे. तो आपके साथ तो एक कंपनी आपको चाहिए ही चाहिए, बिकॉज आपका हुई रिप्रेजेंट यू, आपको रिप्रेजेंट कौन करेगा ये सब. और नॉट इवन सिर्फ बिजनेस, मैंने बताया था आपको प्रेजेंटेशन में कि कस्टमर का पूरा स्टोरी आपको फुलफिल करना है, बिकॉज उसके लिए पूरा स्टोरी आपको ढूंढना है, उसको पकड़ना है, उसको दिखाना है, उसको फॉलो करना है, सेल करके उसका पेमेंट लिख के उसको फाइनली हैंड ओवर करना है, इज ऑल सेल्स. ऐसा नहीं कि सिर्फ चेक ले लिया, बुकिंग हो गया. बिकॉज ब्रोकर is only there for you to get the customers. But 10 चीजें उसके पहले और 10 चीजें उसके बाद में है, तो obviously आपको तो agency लगेगा ही लगेगा. You have to have an agency. Brokers then can actually work, sorry, the agency can work with the brokers or other consultants जो sales को drive करने में help करें. So basically it is during the मतलब pre-sales and during the sales, post sales मतलब position मिलने तक का जो position देना है, handover करना है नए बार इसको जिनको बेचा है, फिर जो इनको payments है उनका payments reminders भेजना है, उनका follow up करना है, तो ये सब पूरा काम है जो local broker शायद नहीं कर पाए इतना. So therefore that the whole agency, हाँ, yes, तो agency has to do this. Yes, yes, yes. Okay. Now Nupur, yes, your question. So my next question is related to this कि ये जो sales and marketing का cost आता है, तो इज इट जस्ट द ब्रोकरेज कॉस्ट? बिकॉज नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि 1.5 से 2% इज द ब्रोकरेज और यही खर्चा आना चाहिए. तो हाउ इज इट डिफरेंट एंड एक्चुअल में सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट कितना कंसिडर करना चाहिए, एंड वो खर्चे में हम जो खर्चा करेंगे प्रोजेक्ट में उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाएगी? ये दिस इज क्वेश्चन टू मी और नूपुर, इसमें ऐसा है कि मुझे पता नहीं कि आपको अगर इतना अगर प्लीज 2% में कहीं पूरा होता है तो प्लीज लेट मी नो कि मैं काफी ऐसे है मेरे पास जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर पा रहा, गिव इट टू देम. ऐसा हो नहीं सकता है, बिकॉज 2% 3% सबको जो पता है दैट्स अन टिपिकल व्हाट ब्रोकर टेक्स. बट वो आपका वहां तक वो ब्रोकर तक पहुंचने के लिए भी एक कॉस्ट है, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू मेक इट आपका कोलैटरल बनाने का, आपका वेबसाइट ब्रांड, आपके ब्रोशर्स. There is a fixed admin cost जो आप इमेजिन कर लो ना, एक डेवलपर है, अभी एक डेवलपर के ऑफिस में सब गए होंगे, तो वो सारा जो उसका एक छोटा वर्जन आपको करना है कि वो उतने उसकी उसकी इक्वालेंट टीम आपके पास चाहिए, उतना इक्वालेंट आपके पास बैंडविड्थ चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट इक्वालेंट की जिसने आपको ब्रोकर तक पहुंचने का, कस्टमर्स तक पहुंचने का आपको वो बैंडविड्थ दे. फिर आपको उसके बाद में ये सारा जो MIS सिस्टम, CRM सिस्टम जो बैकएंड पे उनके जो बड़े सॉफ्टवेयर है वो नहीं, बट एटलीस्ट जो आपके लिए है वो प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस तो बनाए. ये सबका कॉस्ट है, तो ये सबका कॉस्ट भी इसमें आ गया. तो इट्स एडमिन, मार्केटिंग, कोलैटरल, जो मैंने एड्स बताया आपको जो करने हैं तो वो भी ऑब्वियसली फ्री नहीं है. आपका डिजिटल आउटडोर, एवरीथिंग इज अ कॉस्ट, सो दैट इज आल्सो अंडर कॉस्ट. सो मीडिया बाइंग इज अ कॉस्ट. सो आपका ये सब मिला के इट विल गो लाइक मोर देन 5% मिनिमम, व्हिच इंक्लूड्स ऑल. So this is the what the cost ये हमको project report में लेना है. So this is which we take, TAFCONs take this care, and हम लोग का बहुत बार ये जगह पे बहुत से societies के साथ में issues होता है कि आप इतना sales and marketing का cost क्यों लगाते हैं. But this is the fact, और ये हम fact बताना चाहते हैं कि जो भी cost हम लगाते हैं, this is basically जो होते हैं वही cost हम लगा रहे हैं, and ये cost again this is comes with GST.
एंड जीएसटी का आपको आईटीसी नहीं लगने वाला है. सो ये जो भी कॉस्ट बोलेंगे उसपे और 18% मतलब देयर इज एडिशनल कॉस्ट टू इट. सो 18% इज एडिशनल कॉस्ट टू इट. तो दिस इज द व्हाट द कॉस्ट इज अबाउट. लेकिन इसमें जो अभिषेक दैट इज एटीएल ये टीटीएल बीटीएल क्या आई मीन व्हाट इज दिस एटीएल टीटीएल व्हाट आर दे सीटीएल एंड ये सब प्रोजेक्ट में करने पड़ेंगे कि हमको बोलना है. तो फिर मैं मार्केटिंग के हिसाब से वो कुछ पॉइंट्स ड्राफ्ट किया था तभी मार्केटिंग ये सब मैं तो आपको दो बार तीन बार मैंने बताया भी था. दिस इज लाइक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन. ये तो मैं मुझे जिस हिसाब से हम बोलते हैं ना कि भाई पेपर में आप डाल दो ओके न्यूज़पेपर में बाहर होर्डिंग लगा दो या फिर ऑनलाइन कर दो तो इसका एक मतलब वो कौन से अम्ब्रेला के अंदर आता है तो उसका एक डेफिनेशन. हालांकि इसमें ऐसे बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती तो पता चलता है बट एक माइक्रो लेवल पे आपको जानना जरूरी था कि बिकॉज टॉपिक इज ऑन मार्केटिंग तो इसलिए मैंने वो इंक्लूड किया कि अबव द लाइन बिलो द लाइन और थ्रू द लाइन जो है ये एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है कि जहाँ पे आपको पता नहीं होता है कि आपका कस्टमर जहाँ मिलेगा वहां पे आप ऐड कर दो दैट इज अबव द लाइन. टीवी कर दो क्योंकि टीवी कौन देख रहा है यू डोंट नो. होर्डिंग कौन देखेगा कौन देखेगा यू डोंट नो दैट इज अबव द लाइन. बिलो द लाइन की जब आपको पता होता है जैसे मैंने आपको बताया बायर प्रोफाइल है आपको पता है कि भाई यूरोप से लंदन से अगर या फिर गुजराती कम्युनिटी बेस्ड आउट ऑफ यू नो से यूएस इज बाइंग फ्लैट्स इन अंधेरी वेस्ट और उसका अपने को पता भी है तो दैट मीन्स देयर आर स्पेसिफिक ग्रुप दैट इज बिलो द लाइन. तो आपको पता है कि आपका टारगेट ऑडियंस कि भाई अपने को टारगेट उन्हीं को ही करना है तो दैट इज बिलो द लाइन. तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एटीएल एंड बीटीएल इज थ्रू द लाइन. सो दीज आर लाइक स्टैंडर्ड डेफिनेशंस. मतलब डिजिटल मार्केटिंग ये थ्रू द लाइन हो गया. बाकी आप जो इनडायरेक्ट मार्केटिंग करोगे डायरेक्ट मार्केटिंग करोगे वो अलग अलग हो गया. तो डिजिटल मार्केटिंग के ये अलग अलग ये हैं. और ये जो 5-7% जो व्हाट वी टेक ये आपको किस पे मतलब दिस इज ऑन विच कॉस्ट बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट पे होता है या सोसाइटी के या किस पे होगा. व्हाट व्हाट 5-7% ऑन व्हाट यू टेक चार्ज मार्केटिंग एजेंसीज क्या चार्ज करती है 5-7% जो मार्ज चार्ज करती है वो किस पे होता है. See, it varies. अभी बहुत से देखो अभी मार्केटिंग एजेंसी का जो मोडस ऑपरेंडी है यानी कि बहुत सारे सो ऐसे देर आर 5-10 डिफरेंट मॉडल्स ऑफ मार्केटिंग. क्योंकि बहुत सारे ऐसे मार्केटिंग एजेंसी है जो जो बोलती है कि हम कॉस्ट भी हम लगाएंगे ओके और हम लोग ही सब प्रोजेक्ट का कोलैटरल बनाएंगे हम ही लोग सेल्स वाले को सैलरी देंगे बट हमको आप परसेंटेज ज्यादा दीजिए तो वहां पे बहुत ज्यादा हो जाता है. बट कोई एजेंसी बोलती है नहीं कोई एजेंसी बोलती है कि नहीं हमारा सिर्फ काम यह है कि जैसे मार्केटिंग का कॉस्ट आपका होगा बाकी हम लोग बताएंगे कि स्ट्रेटेजीज बता देंगे कि इस तरीके से मार्केटिंग करना है बट पैसा हम नहीं लगाएंगे वहां पे अलग होता है. तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो एजेंसी को आप हायर करोगे वो एजेंसी का प्रोसेस क्या है एजेंसी का क्या इट कैन गो इवन लाइक यू नो इट कैन गो इवन टू 12% दैट टोटली डिपेंड्स कि अगर उनका कॉस्ट भी उनका ही है बिकॉज उनको वो भी अपना जेब से लगाना है तो ऑब्वियसली दे विल डिमांड मोर फ्रॉम यू. तो इट डिपेंड्स ऑन द एजेंसी टू एजेंसी. So this is on revenue basically. कि जो आपका सेल रेट आ रहा है उसमें ये इतना परसेंटेज है सेल्स एजेंसी का ओके. सो जो 7% approximately what we talk about, ये this is on the sales rate. मतलब अगर 20,000 में आपका सेल हो रहा है तो 7% सेल्स एजेंसी के तरफ या मार्केटिंग की तरफ आपको एक अलॉट करना पड़ेगा एक पैसा. So this is what we have to take the provision. मतलब सब आ गया उसमें एडमिन मैं बोल रहा हूँ ब्रोकरेज एडमिन एवरीथिंग मतलब इट्स लाइक फॉरवर्ड लाइक इसमें पूरा खर्चा आ गया आपका. एंड दिस इज ऑल एवरी डेवलपर इज डूइंग राइट नाउ. हर डेवलपर ये खर्चा कर रहे हैं क्योंकि हर जगह पे हम नीचे देख रहे हैं कि सेल्स एंड मार्केटिंग डन बाय सो एंड सो कंपनी. सो इवन आज डेवलपर के मार्केटिंग डजंट मैं वही बोल रहा हूं इट आल्सो डिपेंड्स आपकी सैलरीज आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है जो ये वो सब आ गया उसके अंदर एडमिन कॉस्ट ओके ओके जो कोलैटरल कोशिश सब कुछ आ गया उसके अंदर. तो बिकॉज़ आपको एंड ऑफ द डे आपका सेल से ही आपका सब साइकिल रन होगा तो आपको टेक दैट कॉस्ट वो सब उसमें आ गया. तो ये डेवलपर भी सब ये कॉस्ट मतलब ये तो बाहर से ही कराते हैं अभी आउटसोर्स ही कर रहे हैं मतलब इन हाउस तो कर ही नहीं रहे ऐसा हो गया बेसिकली. टेक्निकल डिटेल इतना सब हम डिटेलिंग टेक्निकल क्यों दिखा रहे हैं सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में. हम ये इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जब आप सेल्फी डेवलपमेंट में जाते हो आप खुद डेवलपर हो आपके प्लॉट के एंड दैट इज वाई ये सब चीजें जिस तरीके से डेवलपर एक सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग एजेंसी जिस तरीके से डेवलपर्स के लिए काम करते हैं उसी तरीके से आपको भी वही सर्विसेज लेने हैं उसी तरीके से काम करना है उसी तरीके से आगे बढ़ना है. इसीलिए हम आपको इवन टेक्निकल डिटेल्स भी समझा रहे हैं. अभिषेक सर एक और मेरे को क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि जो भी सर्विसेज कहा आपने तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है मतलब सेल्स एग्जीक्यूट करना रजिस्ट्रेशन करना फिर उनके जो स्लैब वाइज पेमेंट आते हैं उसका फॉलोअप करना तो ऑल दिस इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ बाय सेल्स एंड मार्केटिंग एजेंसी.
That's correct. Because जैसे भी Mr. Naina has told कि आप या आपने भी बोला था कि अभी आप खुद डेवलपर हो आपके प्रोजेक्ट के, तो वो सब कुछ आपको करना है. अब आपको करना है मतलब या तो फिर आप देखो, अगर इफ यू हैव एक्सपर्टीज, अगर आपके कोई ग्रुप में जो सोसाइटी मेंबर में अगर कोई है तो उसको बैठा दो, नो प्रॉब्लम. बट अगर नहीं है तो यू हैव टू हायर एक्सपर्ट्स. तो दे हैव टू डू दिस. ओके ओके. ऑल्सो वन मोर थिंग नैन सर, हम हमेशा बताते हैं सोसाइटीज को कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में आपको फुल अप्रूवल्स लेने हैं. मतलब बिफोर यू वेकेट योर हाउस आप 100% अप्रूवल्स लोगे एंड आपके पास फंड्स का बैकिंग है, तो कहीं पे भी आपका प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं. तो इन सब चीजों का सेल्स पे कुछ इफेक्ट आता है? मतलब सेल्स का वेलोसिटी को या सेल्स को बूस्ट मिल सकता है इस चीज से? यस यस ऑब्वियसली. कि दिस इज व्हाट द होल प्रोसेस इज, कि अगर आपको कोई भी चीज, अगर प्रोडक्ट लॉन्च करना है या आपको जो भी आपको माल बेचना है अपना, तो वो एक ऑथेंटिकेट होना चाहिए. कि इट इज लाइक दैट, कि इट इज बीन प्रोसेस होना चाहिए पूरा उसका. एंड ये कहीं पे भी इसमें लूपहोल नहीं होना चाहिए. कि इवन लाइक दैट, कि ये जो अभी का सिचुएशन आया है, दिस इज ऑल्सो कवर्ड इन इंश्योरेंस. सो देर इज नो सच फियर लाइक दैट कि आपको उसमें कि ऐसा कोई सिचुएशन आएगा इन फ्यूचर तो भी आपका प्रोजेक्ट कभी क्या होगा करके. तो ये एक थोड़ा एक जो मिथ है वो सब मतलब उनको निकालना पड़ेगा. एंड अगर इफ यू आर डन विद प्रोसेस, मतलब अगर आप कोई भी चीज खर्चा बचाने जाओगे तो ये सब चीजें नहीं होने वाली. एंड इसके लिए हम लोग जो भी जितने भी कॉस्टिंग है वो हम लोग डालते ही हैं. अब इसमें क्या होता है कि बहुत से कॉस्टिंग शायद आपको नहीं करनी पड़े, तो ये क्या होता है, सेल्फ लोन में ये आपके पास ही रहने वाला है. सो ये क्या होता है कि एक बूस्टिंग होता है सेल्स के लिए, कि व्हेन द बायर कम्स तो वो भी आज सब चीज देखता है, उनको भी आगे लोन लेना है. तो उनके यहाँ पे भी जो बैंक होती है वो देखती है कि आपके पास पूरा अप्रूवल है कि नहीं, आपके पास क्या फंडिंग है, आप क्या प्रोजेक्ट इसमें बेच रहे हो, अगर आपके पास पूरा करने के लिए पैसे है कि नहीं है. तो अगले का जो जिसमें आज कितने भी जितने भी आज लोग हैं उनको आज खुद की जेब से पैसे भरने पड़ रहे हैं. इट इज बीन सेड इनटू दैट विधानसभा इन 2017 दैट 5,800 प्रोजेक्ट्स आर स्टॉल्ड. और ये वजह से ये एक ऑप्शन आया है सेल्फ रीडेवलपमेंट का. सो दिस इज द सिचुएशन इन मुंबई राइट नाउ. अभी पोस्ट COVID-19 अभी बहुत से डेवलपर्स ऑलरेडी आर इनटू दिस नाउ कि उनको खुद के जो प्रोजेक्ट्स है वही कंप्लीट करने हैं. तो देयर विल बी व्हाट विल बी द ऑप्शंस ओपन फॉर जिसको डेवलपमेंट करना ही है, उनकी बिल्डिंग अभी गिरने ही वाली है, उनको क्या ऑप्शंस है. तो ये ऑप्शंस के लिए बहुत सारे ऑप्शन, क्योंकि जो भी बहुत से डेवलपर है वो प्रोजेक्ट नहीं करेंगे आगे, या दे विल लीव दैट प्रोजेक्ट. ऐसे मुझे अभी भी फोन आ रहे हैं लॉट ऑफ द गुड गुड नेम्स, मतलब अभी जितने भी हमने, आई वुड नॉट लाइक टू टेक द नेम्स आल्सो, बट सब बड़े से बड़े बिल्डर में आजकल क्योंकि लिक्विडिटी का इशू है. देयर हियर वी डोंट हैव दैट लिक्विडिटी इशू. आपका जो भी खाली करने से पहले आपके पास पूरा, आपके पास अप्रूवल्स है, आपके पास पैसा भी पूरा है. तो ये बायर्स के लिए भी कॉन्फिडेंस होता है. व्हाट यू द अभिषेक सेज कि वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए बायर के पास. तो उसके पास जो कॉन्फिडेंस है, जो बायर आने वाला है आपके पास, उसके पास जो कॉन्फिडेंस है कि आपके पास पूरा प्रोजेक्ट के पैसे है पूरे कंप्लीट करने के लिए. सो दैट इज व्हाट द होल, कि ये बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, इंपैक्ट होता है बायर के ऊपर कि क्या उसको बाय करना है. यस थैंक यू सर. अभिषेक सर, एक और क्वेश्चन पॉप अप हुआ है यहाँ पे कि आपने जो रिपोर्ट्स बताए दोज वर ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, मतलब वो या तो पास्ट प्रोजेक्ट्स के थे या माइट बी जो करंट, मतलब नियर पास्ट जो थे, जैसे थोड़े करंट जो प्रोजेक्ट चल रहे वो, तो हाउ उसके बेसिस पे हम आगे आने वाले मार्केट के ऊपर कैसे कमेंट करें, या उस पे डिपेंड होके हमारा तो प्रोजेक्ट फ्यूचर में होगा, तो हाउ कैन वी डिपेंड ऑन दैट? नहीं, शायद उसमें मैंने एक दो स्लाइड इंक्लूड भी की थी, फ्यूचर आपने शायद मिस कर दिया, आई थिंक आई कैन नॉट गो बैक नाउ. मैंने उस पर भी किया था कि आपको दोनों भी, मैंने बोला भी था वर्बली कि आपका जो तैयारी है वो हिस्ट्री देख के करना है और जो एक्ट करना है वो फ्यूचर देख के करना है. तो वो दोनों भी मैंने स्लाइड में इंक्लूड किया था कि 2025 में अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो वो किस तरीके से सोच रहा है. उसमें वो भी एक स्लाइड शायद वो स्किप कर गया जिसने भी ये क्वेश्चन देखा, देखा नहीं था. तो एनीवेज, तो उसमें वो भी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आगे प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले और कब वो कंप्लीट होने वाले. तो यू हैव आल्सो हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू फ्यूचर एज वेल. तो उसमें दोनों आगे है. ओके सर. आल्सो वन मोर क्वेश्चन कि हमारे पास ब्रांडिंग नहीं है डेवलपर्स, जैसे आपने बोला कि उनको ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना होता है इसलिए दे आर डूइंग द मार्केटिंग एवरीवेयर. अभी उनका ब्रांड है इसीलिए ये शायद एक रीजन है कि वो बिकता भी है. सेल्फ रीडेवलपमेंट में हमारे पास ब्रांड नहीं है, तो वो कैसे, उसको कैसे हम चैलेंज को ओवरकम करें? देखिए, अभी ये दिस इंडस्ट्री एज अ सेल्फ रीडेवलपमेंट, एवरीबॉडी नोज इट्स लाइक स्टिल इन द
like still niche hai abhi, matlab it's like naive, it's a starting stage of of the development. और ये वैसे ही रहेगा, क्यों? क्योंकि हर सोसाइटी एक डेवलपर बन जाएगा, बिकॉज वो सोसाइटी और वो डेवलपर ऐसा बनेगा वंस इन अ लाइफ टाइम डेवलपर, उसके पास कोई दूसरा सोसाइटी नहीं है, एक सोसाइटी के पास की चेन ऑफ सोसाइटीज है, राइट? तो अभी उस केस में आपको ये पता ही नहीं है कि ब्रांड जो है, जैसे मैंने भी काफी बार डिस्कशन किया है कि बिगेस्ट ब्रांडिंग इज लाइक द प्रोडक्ट इटसेल्फ. अब वो तो जैसे नयन मैंने भी बोला था कि सबसे पहले कॉन्फिडेंस अगर कस्टमर को आ गया है कि इन्होंने जो इनके पास सेफ है, क्योंकि इनके पास पहले ही मुंबई बैंक जो कॉर्पोरेट बैंक है जो उसने पैसा दिया है, एंड ऑफ द डे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, सबसे पहला वो कॉन्फिडेंस आ गया. आई थिंक 50% ब्रांड उधर ही बन गया, क्योंकि जब आपको ये निश्चित हो गया कि आपको पता चला कि भी बनने ही वाला है, तो वो तो आपको जो ये बड़े आप कितने भी बड़ा ब्रांड पे जाओ, ये आपको शायद कॉन्फिडेंस वहां पे भी नहीं आए कि बनेगा कि नहीं बनेगा, बट यहाँ पे शायद वो भी कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको कि बन जाएगा. तो आई थिंक 50% तो वो हो जाएगा सॉल्व, और बाकी 50% तो ये सॉल्व हो जाएगा कि अभी और रिसेंटली पूछा तो उनका बोल सकते हो कि आगे जाके कोरोना में पोस्ट कोरोना का जो वर्ल्ड इवॉल्व होगा उसमें भी शायद ऐसा हो सकता है कि पीपल विल शाय अवे, दिस इज माय ओन अजम्पशन, कैन गो रॉन्ग, कि कैन शाय अवे विद लाइक मास सोसाइटीज जहां पे 5,000, 10,000, 6,000 बिल्डिंग्स हो, सबको शायद कन्फाइंड लोकेशन या कन्फाइंड सोसाइटीज जहाँ पे लिमिटेड यूनिट्स हो, जहाँ पे मास ये नहीं हो. बेस्ट वही होगा कि जहाँ पे अपना जो आप बोले हो कि क्वारंटाइन करने के लिए आपको मतलब 100 लोगों को क्रॉस करके जाना जरूरत नहीं है, आपको घर में पहुंच सकते हो, योर स्मॉल बिल्डिंग इज इटसेल्फ योर फैमिली, तो वो डिमांड में रहेगा. आई थिंक बेस्ट इज सेल्फ डेवलपमेंट, जहां तक मुझे लगता है, या रीडेवलपमेंट जो भी बोलो, कि छोटी सोसाइटी सिंगल सोसाइटीज का, तो आई थिंक फ्यू परसेंटेज वो भी एड होगा आगे जाके, पीपल विल प्रेफर यू नो कन्फाइंड स्पेसेस व्हिच आर नॉट यू नो कन्फाइंड डजंट मीन लाइक फ्लैट छोटा, कन्फाइंड मीन्स लाइक जहाँ पे आपका मास हाउसिंग नहीं हो, तो शायद वो भी एक हो सकता है. तो ऐसे काफी सारे ट्रिगर है जो इस चीज को आप कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि फिर ब्रांड का एज सच शायद जरूरत नहीं पड़े. वन मोर अभिषेक क्वेश्चन, ये जिस स्मॉल आपकी फ्लैट की बात आई, तो ये नेक्स्ट इन नियर फ्यूचर नाउ व्हाट इज एक्चुअली कि अभी क्या मतलब व्हाट इज द स्कोप हियर कि छोटे घर बिकेंगे या बड़े घर. अभी समझो कि अभी सब लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो बड़े घर चाहिए, फिर ऐसे भी लोगों का व्यू है. किसी लोगों का व्यू ऐसा भी है कि अभी छोटे घर ज्यादा बिकेंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग ज्यादा बिकेगी, क्योंकि ऑलरेडी लग्जरी सेगमेंट इज नॉट सेलिंग एंड लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स हैव सेन डिफरेंट डिफरेंट थिंग कि एंड इट हैज बीन मिसरिप्रेजेंटेड बाय एवरीबॉडी कि कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि रेट कुछ गिरेंगे अभी 10-15% या 20% या कुछ रेट गिरेंगे, विच हैज बीन मिसरिप्रेजेंटेड व्हाट आई थिंक. कि उनका ये कहना था कि बेसिकली गवर्नमेंट हैज टू फॉलो, इतने जो चार्जेस लगा चुके हैं वो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चार्ज लगा चुकी है, सो गवर्नमेंट हैज टू थिंक राइट नाउ. एंड वन मोर की लास्ट कपल ऑफ डेज अहेड बीडीए की मीटिंग हो रही थी लास्ट, तो उसमें ऑलरेडी एमसीएस ऑलरेडी अनाउंस की देव सम इन सम पार्ट्स ऑफ प्रीमियम 30-40% वो प्रीमियम कम भी करेंगे, सो दिस इज गोइंग ऑन राइट नाउ. तो व्हाट इज दैट कि उनका कहना ये था कि अगर गवर्नमेंट इसको रेट कम नहीं करेगी या तो रेट कम नहीं होंगे तो सेल्स और फॉल हो जाएगी, तो दैट वाज मिसरिप्रेजेंटेड. अगर वो सेल कम करते हैं, रेट कम करते हैं तो सेल उतना ही रहेगा, अगर वो नहीं करेंगे तो सेल कम डाउन होगी. तो दैट इज व्हाट द होल आइडिया वाज कि उनका कहना था, जो एक्सपर्ट्स का कहना था. बट इन शॉर्ट रन तो ये होने वाला नहीं है वैसे, क्योंकि अभी तो थोड़ा डिमांड मतलब ये हो जाएगा कि अभी सप्लाई नहीं होगा, तो दैट इज वन मोर इशू होगा. तो अभी आगे जाके क्या टाइप के छोटे फ्लैट्स बनाने चाहिए, छोटे फ्लैट्स बनाने चाहिए, लग्जरी फ्लैट्स बनाने चाहिए, क्या टाइप के फ्लैट? देखिए वो अगर आपने देखा होगा उसमें रिपोर्ट में भी ये भी आया कि आपका जो रेरा कारपेट है वो भी डिफाइन किया कि कितना स्क्वायर फीट कारपेट जो कॉन्फ़िगरेशन वाइज अभी सप्लाई ऑलरेडी है या आने वाला है. तो जब वो भी ऐसा अगर कोई अगर ड्राइंग रूम में कोई डेवलपर का टीम प्लान कर रहा है 2025 के लिए, वो भी यही सोच के चल कर रहा है जो आप और मैं सोच रहे हैं कि किस तरीके से फ्लैट, तो अगर वो रेरा में अप्रूव करके अगर एक्स स्क्वायर फीट टू वाई स्क्वायर फीट के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, That means he's also preparing himself for that particular. और अपना और उसका thinking अगर align हो रहा है, market वैसे ही है, तो we are part of the whole industry. मतलब अपने को उसको because जो चीज का expertise उसके पास या फिर जो expertise जो information वहाँ से उसके पास आती है, वो अपने पास आनी चाहिए, वो अपना winning solution है. वो अगर आगे निकल गया और आप नहीं निकल पाए, that is always a problem. तो आपको industry के साथ में रहना बहुत जरूरी है. आपको ये देखना जरूरी है कि ये छोटा अभी इसमें ये और स्टैंडर्ड डेफिनेशंस का शायद इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अभी डिस्कस करने का कि अफोर्डेबल हाउसिंग. देयर आर लॉट ऑफ डेवलपर्स जो अफोर्डेबल के नाम पे यू नो दे आर सेलिंग फ्लैट्स इन साउथ बॉम्बे आर अफोर्डेबल पर स्क्वायर फीट रेट बट पिजन होल्स नॉट गोना मेक सेंस, या आप कोई आउट ऑफ बॉम्बे एमएमआर में बड़े फ्लैट बट नॉट गोना मेक सेंस. तो ये आपको ये सब चीजों का पूरा ध्यान रख के इंडस्ट्री किस तरीके से जा रही है
और किस तरह से वो लोग अपने ड्रॉइंग रूम में प्लान कर रहे हैं, आपको भी वैसे अलाइन करना पड़ेगा उनके साथ में, सो दैट यू आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड अलॉन्ग विद देम. एंड वही स्क्वायर फीट का फॉरगेट अबाउट डेफिनेशन की लग्जरी प्रीमियम अफोर्डेबल, आपका जो है आपका इम्पोर्टेंट कि आप सेल्फ में या रीडेवलपमेंट में जा रहे हो, वो आपका कभी बिग क्या था, दैट मींस आपके लिए सेल नहीं है वो पर्टिकुलर लोकेशन, नया नहीं है, इट इज नॉट आपको लोकेशन सेल करना है. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है, बहुत से प्रोजेक्ट्स में तो क्या लोकेशन सेल का है, फिर आपको बनाना पड़ता है अच्छा ये लोकेशन में हम लोग 1 BHK बना रहे हैं 2 BHK बना रहे हैं. आपकी लोकेशन इज लाइक इजी, मतलब वो बिक चुका है 20-25 साल पहले 30 साल पहले, तो आपको प्रोडक्ट पे किस तरीके से इवॉल्व हो रही है आपको अलाइन करना है, वो एक्सपर्ट आपके पास चाहिए या आपकी एजेंसी के पास चाहिए, एंड यू हैव टू मेक प्लान अकॉर्डिंग. ओके ओके, सो नूपुर वन और टू क्वेश्चन विल टाइम गेट अप नाउ, सो एक और दो क्वेश्चन टू यू. वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल. वन क्वेश्चन आई हैव गॉट कि इज इट एडवाइजेबल, मतलब जो सेल्स के जो एक्सपर्ट्स है या प्रोफेशनल्स है, तो शुड वी टेक देम एज एन एम्प्लॉई या एक एजेंसी को ही अपॉइंट करे तो वो डेडिकेटेड एजेंसी देखे, या शुड वी कीप समवन मतलब ऑन पे रोल, ऐसा हायर कर ले प्रोजेक्ट के लिए ही एंड उनको डेडिकेटेड ऐसा रखे साइट पे, इवन फॉर साइट मैनेजमेंट या साइट सेल्स ऑफिस मैनेजमेंट, तो वो किस तरीके से होना चाहिए? बिकॉज आई थिंक बोथ द ऑप्शंस आर अवेलेबल, बट व्हाट इज एडवाइजेबल बाय यू? वेल I'm not sure इसके अंदर, क्योंकि इस तरीके से मतलब अभी सेल्फ रीडेवलपमेंट में शायद कौन सी सोसाइटी या फिर कौन सा जो CH his voice is gone, I think so, network is gone. संजय भाई आप इसका जवाब दे पाएंगे? संजय भाई can you give this answer? संजय भाई are you there? म्यूट कर सकते हैं संजय भाई खुद को? अगर मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा तो बेसिकली व्हेन यू आर जो सेल्फ डेवलपमेंट करना है तो इट इज देयर आर टू डिफरेंट पार्ट्स बेसिकली, कि एक जो बनाना है. अच्छा अभिषेक इज ऑनलाइन नाउ, नेटवर्क आ गया उसका. अभिषेक अनम्यूट. या एनीवेज वही मैं बता रहा था, आई थिंक यू कैन कंटिन्यू. यस ओके, तो सेल्फ डेवलपमेंट में दो पार्ट अलग अलग है, जो एक है कि हमारी प्रोफेशनल टीम है जो बनाने में करती है, एंड एक दूसरी टीम होनी चाहिए जो पूरा मतलब कि एक एजेंसी, बिकॉज ये क्या है कि पार्ट टाइम के लिए, मतलब कि आपका लॉन्ग रन में चलने वाला है, सो यू कैन नॉट हायर सम पीपल फॉर. अभी आजकल डेवलपर भी वो नहीं कर रहे हैं, एंड ये सिचुएशन में जैसे कि COVID-19 में हो तो अभी काम भी नहीं हो और उसको सैलरी भी देनी पड़े, सो इट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल कि आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगा, तो यू हैव टू हायर एन एजेंसी. इट माइट बी, बट उनको क्या है कि आप सोसाइटी को क्या है कि उनको जो रिजल्ट बेस्ड उनको पेमेंट करना है, सो इट विल सी दे हैव दैट होल अपॉर्चुनिटी, उनके पास वो ऑप्शन है कि रिजल्ट बेस्ड को ही देना है, तो इट इज बेटर टू गेट इट कि सर्विस थोड़ा कॉस्टली हो बट इसमें सेव करना ना जाए, एंड लेटर बेटर डू इट इन थ्रू एन एजेंसी. So this is what is advisable to all the societies. कि हर चीज में मतलब if you take that thing then whole this process might get somewhere hamper. तो 2% यहाँ पे वहाँ पे थोड़े खर्चे किधर extra हो जाते हैं. ऐसे developer भी आज कर रहे हैं. ऐसे developer भी सब लोग कोई भी आज team नहीं रख रहे वैसे. So it is better to go with agencies को पूरा एक appoint करके let them give them the पूरा result based उनको incentive दिया जाए. Sir, one more last question. कि नाउ सोसाइटी कैसे अपॉइंट करे, हाउ विल दे अंडरस्टैंड कि कौन सी एजेंसी हेल्प करेगी उनको उनके गोल्स तक अचीव पहुंचने को या गोल अचीव करने को, तो वो कैसे जज करे? अभी तक तो हमने जितने भी अभी वेबिनार्स हुए, वी हैव टेकन दैट मुंबई बैंक एंगल कि मुंबई बैंक में नोडल एजेंसी हो, फिर सेकेंडरी कि देयर शुड बी अ प्रॉपर PMC जो हर चीज को प्रॉपरली एक एनालाइज करके प्रोसेस में जाए, देन अ प्रॉपर गुड आर्किटेक्ट, अ गुड इंजीनियर एंड गुड लाइसेंस टीम जो BMC ने क्या करा के लेके आना है, तो गुड नॉलेज, इनडेप्थ नॉलेज होना चाहिए. इसके अलावा फिर देन लीगल एज वेल एज लीगल में इतना इंपॉर्टेंस, मतलब देर इज नो बिकॉज देर इज अ प्रोसेस ओनली, सो अदरवाइज की अगर कोई ओल्ड डेवलपर हो और उसका हो तो देन द मुंबई बैंक इज नॉट एंटरटेनिंग दैट पार्ट, तो उसको पहले सॉल्व करके ही आना है. सो वंस योर सेल्फ डेवलपमेंट स्टार्ट्स, लीगल इज द ओनली प्रोसीजर, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको लीगल जो आपका अकाउंटिंग पार्ट है दैट शुड बी वेरी मच
वेरी मच आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि उसमें हर टाइम पे आपको प्रोसेस करके यू हैव टू फॉलो अप दैट कि आपको पूरा करना है सब चीज एंड फिर दिस इज द होल प्रोसेस. ये इसमें जितने भी प्रोफेशनल्स लगते हैं ये अंडर वन रूफ या जितने भी हो तो बेटर हो आपको कि आपको कोऑर्डिनेशन करना ईजी हो जाए एंड दिस विल बी बेटर फॉर एनी सोसाइटी. तो दिस इज वॉट इज आवर एम एंड आवर पॉइंट इज दैट कि अगर अंडर वन रूफ को अलग अलग करने जाओगे तो आपके बीच में लूप्स हो रहे जाएंगे. तो ये एक टीम अलग हो गई. यू हैव लिमिटेड टीम्स. मतलब अगर आपको रीडेवलपमेंट करना है तो इफ यू हैव अ प्रोफेशनल टीम आपके पास एक है. कॉन्ट्रैक्टर की एक टीम है. कॉन्ट्रैक्टर में भी आप अलग अलग कर सकते हो. यू कैन हैव आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, आपका मैकेनिकल अलग कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, अलग अलग ऐसे इलेक्ट्रिकल अलग कॉन्ट्रैक्टर, पेंटिंग अलग कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे अलग अलग 8-10-15 कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकते हैं. बट इज बेटर टू गिव इट ऑन अ टर्न की बेसिस. अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको टर्न की बेसिस पे पूरा आप काम दिए जाए. एंड दिस वे यू हैव टू डू कि आपको कॉन्ट्रैक्टर है, मुंबई बैंक है, प्रोफेशनल टीम है एंड देन यू हैव योरसेल्फ सोसाइटी एंड एज अ सेल्स टीम. मतलब एक ही इतने लिमिटेड टीम्स होंगे तो योर होल प्रोसेस आपको भी इजी होगा और जितना सिंपलर किया जाए उतना आपके लिए और भी आगे जाके प्रोसीजर्स में और इजी हो जाएंगे एंड इट विल बी वेरी सिस्टमैटिक वे से. सो दिस इज व्हाट द थिंग इज कि यू हैव टू बी विद प्रोफेशनल टीम. अगर आपको पहले से करना है तो यू शुड हैव अ रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च, आपका जो इंटरनल रिसर्च होना चाहिए क्योंकि आपका बेस है. मतलब हाफ द जॉब डन तभी हो जाएगा जब आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही आपका प्रॉपर है. If you have taken all the proper, हर चीज आपने calculation किया है because you are forcing it. In next 4 to 5 years, आप क्या होने वाला है उसको analyze करके you are projecting it. So this is the only major आपका पूरा जो आपका ये होगा, पूरा आपका depth होगा, पूरा आपका base होगा. This is on the this one कि आपका project report ही proper हो पहले and वहां से आपका पूरा काम चालू हो. And one more question, Abhishek, I want to ask you, अभी जो market situation हो रही है and there is a lot of residential areas. So what is the commercial areas, जो commercial areas बन सकते हैं जहाँ पे अच्छे अच्छे location है. Even government ने भी ऐसे policies लाए हैं जहाँ पे 3 FSI, 4 FSI और 5 FSI तो commercial building बनाने के लिए देते हैं. तो वहां पे अगर commercial का scope, what is the your view on that कि commercial में क्या demand होने वाला है यहाँ पे बॉम्बे में. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन इनफैक्ट. और इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि बिल्कुल करना चाहिए अगर कमर्शियल कर रहा है. बिकॉज एक तो क्या है कि कमर्शियल इटसेल्फ इज हैविंग अ वेरी लिमिटेड सप्लाई इन इंडिया. कि जो टॉप ग्रेडेड ऑफिस तो वैसे ही कम है, ऑफिस सप्लाई वैसे ही लिमिटेड है और काफी सालों से. अभी तो आई एम जस्ट टेलिंग, नॉट कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना, बिकॉज अभी तो ये सब पता चलेगा कि क्या डिमांड रीअसेसमेंट करने के बाद में. बट अभी तक का तो जो था और शायद आगे भी रहेगा, बिकॉज लॉट ऑफ स्मार्ट मनी इज फ्रॉम फॉरेन प्लेयर्स हु इज इन्वेस्टेड इन ऑफिस एज एन एसेट क्लास. तो ऑफिस एक ऐसी चीज है जो अच्छा यील्ड देती है, रिटर्न्स अच्छा मिलते हैं और काफी मतलब डिमांड इसीलिए ज्यादा क्योंकि सप्लाई कम है ऑफिस में. रेजी इज ऑब्वियसली मोर डिमांड क्योंकि घर ज्यादा बनते हैं. रेसिडेंशियल इज ह्यूज और सिस्टमैटिक नहीं है. तो अगर ये मुझे पता नहीं था कि अगर ऑफिस बन सकता है सेल्फ में या फिर जो भी हो लोकेशन में, तो बिल्कुल बनाना चाहिए अच्छा एक बिल्डिंग ऑफिस का. प्लीज इसे लाइक कीजिए, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.